Now we will move to the next topic, that is dry compression over the wet compression. ठीक है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे. इसके पहले हमने प्रीवियसली क्या डील किया, थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लें. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बाद क्या देगा, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वीसी साइकिल. ठीक है, वीसी साइकिल पे हमारा क्या परफॉर्मेंस होगा, वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स का, वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज का, वो हमने देखा. तो पांच पॉइंट्स देखे हमने, जिसमें क्या देखा, इवेपोरेटर के प्रेशर और टेम्परेचर को वैरी कराया हमने, कंडेंसर के प्रेशर टेम्परेचर को वैरी कराया, सुपर हीटिंग कराया, सब कूलिंग कराया मेनली. ठीक है, तो जितने भी पॉइंट किए उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो था, दैट वन इज द सुपर हीटिंग. सुपर हीटिंग का केस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था. सुपर हीटिंग के केस में क्या था, आपका वर्कडन मैथमेटिकल एनालिसिस किया, वर्कडन ज़्यादा आ रहा था, वर्क डन बिकॉज द वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल टेम्परेचर, तो वर्क डन. और हालांकि प्रीवियसली हमने सिर्फ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं देखा था. फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेंगे कि अगर सुपर हीटिंग होता है तो आपका क्यों वर्क डन बढ़ जाता है. अगर आपका सुपर हीटिंग इवेपोरेटर हो रहा है, आर ई आपका इंक्रीज कर रहा है, वर्क डन आपका इंक्रीज कर रहा है, तो वट अबाउट द सी ओ पी. सी ओ पी के लिए हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा, कुछ किसके लिए, कुछ आपका रेफ्रिजरेंट के लिए सी ओ पी इंक्रीज करेगा, वाइल वहीं पे कुछ रेफ्रिजरेंट के लिए क्या होगा, सी ओ पी डिक्रीज होगा. मैंने कहा कि जिसके लिए सी ओ पी डिक्रीज करेगा उसको कभी भी सुपर हीटिंग के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं, दैट इज नॉट डिजायरेबल फॉर द सुपर हीटिंग. ध्यान दीजिएगा, जो रेफ्रिजरेंट सुपर हीटिंग के लिए डिजायरेबल नहीं है उस रेफ्रिजरेंट को भी हम क्या करते हैं, स्लाइट सुपर हीट करते हैं. ये मैंने बताया था व्हाई, थोड़ा सा डिस्कशन किया था लाइफ स्पैन को, लाइफ स्पैन ऑफ कंप्रेसर को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज एग्जैक्टली. ठीक है, और ये भी बताया था मैंने कि सब कूलिंग से हमारा क्या हो रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है. और क्या था आपका, कुल मिला के सब कूलिंग क्यों करते हैं, ये भी मैंने बताया कि सब कूलिंग हम करते हैं थोड़ा सा भी रेफ्रिजरेंट वेपर आपके बिफोर द एक्सपेंशन वाल्व ना बच जाए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली. इसलिए हम क्या यूटिलाइज करते हैं, हम कंप्लीटली सबकूल्ड रेफ्रिजरेंट बिफोर द एक्सपेंशन वाल्व यूटिलाइज करते हैं. दिस इज एग्जैक्टली योर फाइनल कंक्लूजन. नाउ वी विल डिस्कस ड्राई कंप्रेशन ओवर द वेट कंप्रेशन. यहाँ पे हम ये भी समझ लेंगे कि सुपर हीटिंग के केस में, फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी समझ लेंगे कि सुपर हीटिंग के केस में वर्क डन ज़्यादा क्यों हो जाता है. डोंट वरी. ठीक है, ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले क्या करेंगे हम, आई एम गोइंग टू डिस्कस एट फर्स्ट, दैट इज द व्हाट, पीएच डायग्राम. इट विल बी बेटर कि टीएच डायग्राम लिख लेते हैं. टीएच डायग्राम और पीएच डायग्राम दोनों देख लेंगे. ठीक है, पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम दोनों देख लेंगे. दैट इज द वेट कंप्रेशन. ठीक है, दैट इज द वेट कंप्रेशन. दैट इज द वेट कंप्रेशन. दैट इज द सुपर हीटेड कंप्रेशन. लेट मी चेंज द कलर एक्चुअली. ठीक है, दिस इज द कंडेंसर प्रेशर. कंडेंसर प्रेशर यही है आपका. ठीक है, दैट इज 1:2, दैट इज सुपर हीटिंग. और ये आपका इवेपोरेटर प्रेशर. दैट इज द इवेपोरेटर प्रेशर. मैं जब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, इसे दूसरे कलर से ले रहा हूं मैं. आई एम गोइंग टू टेक विद द डिफरेंट कलर. जब ड्राई सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं, इस केस में ड्राई सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं और इस केस में वेट कंप्रेशन कर रहे हैं. ठीक है ना, दैट वन इज सपोज टू बी द वन, दिस इज द ओरिजिनल 1 एंड 2. ठीक है ना, दिस इज 1-2-, एंड दैट वन इज वॉट फाइनल. फाइनल विल बी, आई एम गोइंग टू डू विद द डिफरेंट कलर. ब्लैक कलर से है आपका,
ब्लैक कलर से सुपर हीटेड रीजन में ले गया मैं, और ये भी आपका सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। एंड दैट वन इज फाइनली आई एम गोइंग टू डू विद द डिफरेंट कलर। That is one dash, double dash to two double dash. क्या है आपका one dash to two dash? Weight compression है आपका, weight compression, ठीक है। One dash to two dash क्या है आपका? Weight compression है। और one to two क्या है आपका? One to two is ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन, ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन ऑफ वेपर, एंड वन डबल डैश टू टू डबल डैश इज वॉट कंप्रेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर, कंप्रेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। अगर थ्योरेटिकली लें, थ्योरेटिकली अगर डिस्कस करें, आई एम गोइंग टू डिस्कस द थ्योरेटिकल पॉइंट। अगर थ्योरेटिकली डिस्कस करें हम, अगर थ्योरेटिकली करें, दैट वन इज द थ्री टू फोर थ्योरेटिकली डिस्कस करें, अगर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन, तो क्या है आपका आर ई यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट हैपन एग्जैक्टली? आर ई यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आर ई इज गोइंग टू डिक्रीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आर ई आपका डिक्रीज कर रहा है, थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू आर ई पर यूनिट मास बेसिस डिक्रीज कर रहा है, तो सेम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मास फ्लो रेट इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर द सेम रेफ्रिजरेशन। थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूं, प्रैक्टिकल डिस्कशन भी करूंगा कि आखिर वेट कंप्रेशन क्यों नहीं करते हैं। अभी तो जो हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूं मैं। मैंने कहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम है आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम है तो हमें फॉर द सेम पर यूनिट मास बेसिस, फॉर द सेम आर सी, फॉर द सेम आर सी, फॉर द सेम आर सी, फॉर द सेम For the same RC, what happened exactly? For the same value of RC, mass flow rate हमें क्या करना पड़ेगा? Mass flow rate of refrigerant क्या करना पड़ेगा? Increase करना पड़ेगा। जब mass flow rate of refrigerant increase करना पड़ेगा, what happened exactly? Try to realize क्या होगा आपका? जब mass flow rate of refrigerant आप increase करोगे, तो overall work done further क्या हो जाएगा आपका? That one is not favorable condition, ठीक है ना? That is not favorable condition, क्योंकि mass flow rate of refrigerant increase करेगा तो कहीं ना कहीं compression हमारा, theoretical discussion, only theoretical discussion, बाद में मैंने कहा कि practical discussion करूंगा कि what happened, आखिर weight compression practically possible क्यों नहीं है, ठीक है ना? तो थ्योरेटिकल भी प्रॉब्लम है और प्रैक्टिकल भी प्रॉब्लम है, इसलिए हम वेट कंप्रेशन करते ही नहीं है। तो थ्योरेटिकली ये दिख रहा है कि आर ई आपका डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस फॉर द सेम आर सी आपको मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इंक्रीज करना पड़ जाएगा, विच इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है, क्योंकि आपका कंप्रेसर क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं बल्की हो जाएगा, कंप्रेसर इज गोइंग टू बी बल्की, और क्या हो जाएगा? कंप्रेसर अगर बल्की हो जाएगा तो फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह, पावर लॉसेस, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल लॉसेस और पावर लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा वीसी साइकिल के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा कि थ्योरेटिकल डिस्कशन तो हो गया कि थ्योरेटिकल क्या, ठीक है, थ्योरेटिकली क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नाउ वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल डिस्कशन। अगर आप वेट कंप्रेशन करोगे, व्हाट हैपन एग्जैक्टली? वेट कंप्रेशन करोगे तो वेट कंप्रेशन में क्या होगा? हियर एट वन डैश, at one dash there will be some saturated liquid droplets, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
One dash, there will be some saturated liquid droplets suspended in the vapor. Suspended in the vapor. Try to understand. Suspended in the vapor. At one dash, there will be some saturated liquid droplets suspended in the vapor. ठीक है? अब ये vapor क्या होगा? अगर reciprocating compressor की बात करें, if I am going to discuss about the reciprocating compressor, ठीक है? Reciprocating compressor की बात अगर हम करें, what happened exactly? Reciprocating के compressor के केस में अगर liquid droplet अंदर जाएगा तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सबसे पहले चीज कि वो लिक्विड ड्रॉपलेट लुब्रिकेशन को क्या करेगा, लुब्रिकेशन को वॉश आउट कर देगा, और जब लुब्रिकेशन को आपको वॉश आउट कर देगा तो आपके पिस्टन और किसके बीच, पिस्टन और व्हाट अबाउट आपका पिस्टन और सिलेंडर के बीच आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ जाएगा. फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ने के कारण आपके देयर विल बी द वियर एंड टियर, जिसके कारण लाइफ स्पैन ऑफ द कंप्रेसर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसीलिए लिक्विड ड्रॉपलेट क्या होना चाहिए, लिक्विड ड्रॉपलेट शुड नॉट गोज इनटू द कंप्रेसर. कंप्रेसर के अंदर, सिलेंडर के अंदर आपका लिक्विड ड्रॉपलेट्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली, लुब्रिकेशन को वॉश आउट कर, लुब्रिकेंट को वॉश आउट कर देगा, और लुब्रिकेंट को वॉश आउट करने के कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स व्हाई देयर विल बी द वियर एंड टियर इन द सिलेंडर इन द कंप्रेसर. एज अ रिजल्ट लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाएगा. द सेकेंड थिंग इज दैट लिक्विड ड्रॉपलेट जब जाएगा तो जो वाल्व मैंने बताया था, इंटेक वाल्व एंड व्हाट आउटलेट वाल्व, ये क्या होगा, दैट वन इज डैमेज. उसे क्या करेगा, डैमेज करेगा, और जब उसे डैमेज करेगा तो ऑब्वियस व्हाट हैपन, लाइफ स्पैन ऑफ द कंप्रेसर क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा. आपने रियलाइज किया होगा कि जब भी आप रेफ्रिजरेटर, फ्रीज या फिर क्या लेते हो, एयर कंडीशनिंग सिस्टम लेते हो, ठीक है ना, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी, तो आपका पूरे ओवरऑल सिस्टम पे तो वन ईयर वारंटी होता है, लेकिन कंप्रेसर के लिए समटाइम 5 ईयर और 10 ईयर का वारंटी होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना? आप जब कोई भी फ्रीज, रेफ्रिजरेटर या फिर क्या लेते हो, एयर कंडीशन लेते हो, तो ओवरऑल सिस्टम के लिए तो 1 ईयर का वारंटी होता है, बट फॉर द कंप्रेसर 5 ईयर और 10 ईयर का वारंटी होता है. नाउ यू कैन रियलाइज कि कंप्रेसर कितना आपका रोबस्ट होता है. नाउ यू कैन रियलाइज हाउ द कंप्रेसर इज रोबस्ट. अगर वहीं पे क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगर लिक्विड ड्रॉपलेट उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, लाइफ स्पैन ऑफ द कंप्रेसर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. लाइफ स्पैन ऑफ कंप्रेसर रिड्यूस होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट. खैर, ये तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन हुई, लेकिन थोड़ा रियलाइज करना प्लीज. अगर आपका डायनेमिक टाइप ऑफ मशीन, डोंट वरी, इसके बारे में सारा कुछ डिस्कशन करूंगा. डायनेमिक टाइप ऑफ मशीन एक्चुअली आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहलाता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन एक्चुअली. इन जनरल अगर कहें तो क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहलाता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन. एंड आपका दूसरा होता है, आपका द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक टाइप ऑफ मशीन. डोंट वरी, आई विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर when we will discuss what fluid hydraulic machines or power plant. Don't worry, इसके बारे में even refrigerant compressor जब बताऊंगा वहां पे भी थोड़ा सा glimpse दूंगा मैं positive displacement machine और dynamic type of machine. ठीक है, don't worry, यहाँ पे थोड़ा सा discussion कर दूंगा मैं. अगर हम dynamic type of machine की बात करें डायनामिक टाइप ऑफ मशीन, तो डायनामिक टाइप ऑफ मशीन में क्या होता है, एक रोटर होता है. ठीक है ना? ट्राई टू रियलाइज, एक स्टेटर होता है और उसके अंदर एक रोटर होता है, और ऑब्वियस रोटर किससे कनेक्टेड होता है, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और उस रोटर पे क्या बने होते हैं, ब्लेड्स बने होते हैं. थोड़ा सा माइंड में आपके रियलाइज हो रहा होगा, लाइक टर्बाइन,
लाइक टर्बाइन, टर्बाइन के में क्या होता है, एक स्टेटर होता है, उसके अंदर क्या होता है, रोटर पार्ट होता है, रोटर पार्ट पे क्या होते बने होते हैं, बकेट्स बने होते हैं, ठीक है ना, बकेट्स बने होते हैं, और उस रोटर को टर्बाइन के केस में क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ टर्बाइन नहीं पढ़ना है, बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, पंप के कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है। वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्रेसर, कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है। तो रियलाइज करें कि फिर भी डायनामिक टाइप ऑफ मशीन में क्या होता है, एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट से क्या लगा होता है, आपका रोटर पार्ट होता है, और इन द केस ऑफ द कंप्रेसर और पंप, इन द केस ऑफ द कंप्रेसर और पंप दैट रोटर पार्ट इज एग्जैक्टली कॉल्ड द इम्पेलर, और उस इम्पेलर पे फर्दर क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं, और उसी ब्लेड्स, जब वो ब्लेड्स रोटर रोटेट करता है तो उसी ब्लेड्स के कारण क्या होता है, आपका फ्लूड प्रेशर राइज होता है, उसी ब्लेड्स के कारण फ्लूड प्रेशर राइज होता है। ट्राई टू रियलाइज, फ्लूड क्या हो सकता है, आपका गैस भी हो सकता है, फ्लूड क्या हो सकता है, आपका लिक्विड भी हो सकता है। ट्राई टू रियलाइज डायनामिक टाइप ऑफ मशीन, सारे डायनामिक टाइप ऑफ मशीन नहीं देखने हैं हमें, बेसिकली जो फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज होता है वो हमें देखने हैं, और हमें बेसिकली कंप्रेसर के बारे में देखना है, ठीक है ना। तो जो फ्रिक्वेंटली कंप्रेसर, डायनामिक टाइप ऑफ मशीन, डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर जो फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जो फ्रिक्वेंटली, ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फ्रिक्वेंटली डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर यूटिलाइज होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज द व्हाट, दैट वन इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो डायनामिक टाइप ऑफ मशीन की बात करूंगा कि क्या होता है, उसमें एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक शाफ्ट होता है, दैट वन इज अ शाफ्ट, शाफ्ट होता है, और इस शाफ्ट पे इनपुट देते हैं, पावर इनपुट देते हैं, और इसके अंदर का इंपेलर, और इंपेलर पे लगा हुआ ब्लेड, उसके कारण क्या होता है, इनटेक फ्लूड, इनटेक फ्लूड, और फ्लूड जब यहां से एग्जिट करता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, एग्जिट फ्लूड, फ्लूड जब यहां से एग्जिट करता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर राइज रहता है, ठीक है ना, उस ब्लेड्स के कारण एक्चुअली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ द फ्लूड राइजेस, ठीक है, फ्लूड ऑफ द प्रेशर राइजेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मैंने कहा कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड डायनेमिक टाइप ऑफ कंप्रेसर, डायनेमिक टाइप ऑफ, डायनेमिक टाइप ऑफ कंप्रेसर क्या होता है आपका, दैट वन इज सेंट्रीफ्यूगल, कंप्रेसर। देखिए यहां पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा, यहां पे छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, I'm discuss here a very important point. Dynamic type of machine जो होता है ना, that is ये dynamic type of machine actually design किया जाता है, इसके blades जो design किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, the blades of dynamic type of machine, डायनेमिक टाइप ऑफ मशीन, इवन सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आपका डायनेमिक टाइप ऑफ मशीन में ही आता है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर तो आता ही आता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी, हाइड्रोलिक टर्बाइन भी आता है, गैस टर्बाइन भी आता है डायनेमिक टाइप ऑफ मशीन में, ठीक है। तो मैंने कहा कि डोंट वरी, वी विल डिस्कस प्रॉपर मैनर, कुछ हाइड्रोलिक मशीन में डील करेंगे, कुछ पावर प्लांट्स में डील करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। द ब्लेड्स ऑफ डायनेमिक टाइप ऑफ, the blades of dynamic type of machine always designed for a particular phase, for a particular phase, either liquid or gas or vapor, हालांकि ये पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आगे भी, डोंट वरी, ठीक है।
डायनामिक टाइप ऑफ मशीन के जो ब्लेड होते हैं, द ब्लेड्स ऑफ डायनामिक टाइप ऑफ मशीन ऑलवेज डिजाइंड इन फॉर अ पर्टिकुलर फेज, ईदर फॉर द लिक्विड और फॉर द गैस और वेपर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आपने शायद ये नाम सुना भी होगा कि द पंप वर्ड, अगर हम कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट इज ओनली यूटिलाइज फॉर द लिक्विड, द सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑल्सो कम्स अंडर द हाइड्रोलिक पंप, ठीक है, नाम ही है उसका हाइड्रोलिक पंप, द सेंट्रीफ्यूगल पंप कम्स अंडर द हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप वहां पे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो दैट वन इज पंप, कहने का ही मतलब है कि वो प्रेशर तो राइज पंप के कारण, पंप ब्लेड्स के कारण, इंपेलर पे जो ब्लेड्स लगे हैं उसके कारण प्रेशर तो राइज होगा, लेकिन किसका प्रेशर राइज होगा, वो किसके अकॉर्डिंग डिजाइंड है, लिक्विड के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, ठीक है ना। प्रेशर तो आपका राइज होगा पंप के अक्रॉस, ठीक है ना, बट वो किसका प्रेशर राइज होगा, लिक्विड का प्रेशर राइज होगा, उसके ब्लेड्स किसके अकॉर्डिंग डिजाइंड है, लिक्विड के अकॉर्डिंग डिजाइंड है। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कंप्रेसर की, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्रेसर ओनली फॉर द कंप्रेसर वर्ड यूटिलाइज फॉर द गैस और वेपर। यहां पे जो आपका कंप्रेसर के क्रॉस प्रेशर राइज होगा, प्रेशर राइज तो होगा, बट किसके किसका प्रेशर राइज होगा, गैस और वेपर का, यानी कि यहां पे आपका ब्लेड जो डिजाइंड है किसके अकॉर्डिंग डिजाइंड है, गैस और वेपर के अकॉर्डिंग डिजाइंड है। कभी भी आपका डायनामिक टाइप ऑफ मशीन का जो ब्लेड्स होता है टू फेज मिक्सचर के लिए डिजाइंड, टू फेज मिक्सचर के लिए डिजाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए जब आप इस वेट कंप्रेशन करोगे एक कंप्रेसर में, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में या डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर में, तो वो क्या करेगा, गैस के प्रेशर को तो बढ़ा देगा, व्हाट अबाउट द लिक्विड, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, उसके प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट इफेक्टिव प्रेशर आपका, इफेक्टिव प्रेशर जितना राइज होना चाहिए उतना राइज नहीं हो पाएगा, ट्राई टू रियलाइज, ठीक है ना, इफेक्टिव प्रेशर जितना राइज होना चाहिए उतना राइज नहीं हो पाएगा। दिस इज द मेन रीजन दैट्स वाई वेट कंप्रेशन इवन डायनामिक टाइप ऑफ मशीन में भी, इवन डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर में भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। दिस इज द मेन रीजन दैट्स वाई वेट कंप्रेसर इज नॉट डन इन द डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर एज वेल, ठीक है, क्योंकि डायनामिक टाइप ऑफ मशीन का ब्लेड एक पर्टिकुलर फेज के लिए डिजाइंड होता है, ठीक है। मैंने कहा कि इवन गैस टर्बाइन है तो वो गैस और वेपर के लिए ही डिजाइंड होगा, हाइड्रोलिक टर्बाइन है तो हाइड्रोलिक टर्बाइन किसके लिए, लिक्विड के लिए ही डिजाइंड होगा, ट्राई टू रियलाइज, बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस, मैंने कहा कि तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए भी बता दिया मैंने, और किसके लिए बता दिया मैंने, किसके लिए, दैट वन इज सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर के लिए भी बता दिया मैंने, डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर के लिए भी बता दिया, लाइक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। मैंने कहा इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसे कहां तक ले जाते हैं, ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन तक ले जाते हैं, इसीलिए हम क्या ले जाते हैं, इसे ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन तक ले जाते हैं। आई एम गोइंग टू यूटिलाइज द डिफरेंट कलर हियर, इसीलिए हम यहां पे ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन तक ले जाते हैं, ठीक है। ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन तक ले जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वेपर होगा तो कंप्रेसर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, और इवन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए भी आपका लिक्विड लुब्रिकेंट वॉश आउट नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका वाल्व डैमेज नहीं होगा, तो कंप्रेसर का लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर मैनर में आपका प्रेशर राइज होगा, क्योंकि कंप्रेसर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिजाइन है, गैस और वेपर के लिए। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर को जब कंप्रेसर में ले जाओगे तो प्रॉपर मैनर में आपका प्रेशर राइज होगा, बिकॉज द कंप्रेसर डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर इज ओनली डिजाइंड फॉर द गैस और वेपर, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, कई लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि ड्राई सैचुरेटेड ही क्यों, इसे सुपर हीटेड रीजन में भी तो क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। यहां पे तो क्लियरली है कि यहां पे अगर गैस और वेपर के लिए डिजाइंड है तो यहां पे सुपर हीटेड रीजन में भी कंप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, ड्राई सैचुरेटेड के लिए ही क्यों।
और इवन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी हम क्या नाम है इसका सुपर हीटेड वेपर को तो भेज सकते हैं ना, तो सुपर हीटेड वेपर को भेजेंगे तो ना ही आपका वाल्व का डैमेज होगा, ना ही आपका क्या होगा लुब्रिकेंट वॉश आउट होगा। आखिर ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन ही क्यों, सुपर हीटेड वेपर का कंप्रेशन क्यों नहीं? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं यार मैं कि जब सुपर हीटेड कंडीशन में जाता है, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, वर्क डन, वर्क इनपुट आपका क्या हो जाता है, वर्क इनपुट आपका इंक्रीज कर जाता है। ट्राई टू रियलाइज, वर्क इनपुट आपका इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए हम सुपर हीटेड रीजन में कोशिश करते हैं कि ना जाए, ठीक है ना। कोशिश यही हमारी रहती है कि किस पे हो आपका, दैट वन इज कंप्रेशन। कंप्रेशन इज मोस्ट डिजायरेबल, द कंप्रेशन मोस्ट डिजायरेबल एट द ड्राई सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है ना, मोस्ट डिजायरेबल इन द ड्राई सैचुरेशन कंडीशन। बट मैंने कहा प्रीवियसली कि स्लाइड सुपर हीटिंग तो फिर भी करते हैं, आखिर क्यों स्लाइड सुपर हीटिंग हम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि सबसे पहले वन कहां पे है, वन इज एट द आउटलेट ऑफ द एट द एग्जिट ऑफ वन क्या है आपका, वन इज एग्जैक्टली एट द एग्जिट ऑफ at the exit of evaporator। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर है, तो इवेपोरेटर को प्रॉपर इस तरीके से हमें डिजाइन करना होगा, इन सच अ मैनर, ठीक है ना, इतना एक्यूरेट डिजाइन करना होगा इवेपोरेटर का कि एग्जैक्टली ये क्या है, वन पे है, ठीक है ना, एग्जैक्टली ये वन पे है। चलिए कोई बात नहीं, हमने एक्यूरेट डिजाइन इवेपोरेटर का कर भी लिया, ठीक है ना, बट समहाउ आफ्टर एग्जिट ऑफ द, ठीक है ना, एग्जैक्ट इवेपोरेटर का डिजाइन कर लिया हमने, ठीक है ना, एक्यूरेट इवेपोरेटर का डिजाइन कर लिया कि एग्जैक्टली वन पे ही आए, लेकिन सपोज टू बी समहाउ वन पे आने के बावजूद वो क्या हो सकता है आपका, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि अगर थोड़ा सा भी ये हीट लूज करे, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इट कम्स टू द समहाउ, ठीक है, ऐसा कंडीशन हो सकता है और बहुत सारे ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, उतना सारा कंडीशन मैं डील नहीं करूंगा, ठीक है। इटसेल्फ एक कंडीशन हो सकता है कि आपका इवेपोरेटर में ही कुछ दिनों बाद क्या होने लगे, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होने, प्रैक्टिकली आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, ये बात अलग है कि हम क्या लेके चलते हैं, ये बात अलग है कि हम कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेके चलते हैं इवेपोरेटर में, बट प्रैक्टिकली इवेपोरेटर में क्या होता है आपका, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है। अगर सपोज टू भी कुछ दिनों के बाद आपका डिवाइस पुराना हुआ, और इवेपोरेटर में ही इटसेल्फ क्या हो जाए, प्रेशर ड्रॉप हो जाए, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इट मे बी पॉसिबल कि ये आपका वन रीजन कहां पर रह जाए, वेट रीजन में रह जाए। बहुत सारे ऐसे कंडीशन, इसलिए मैंने कहा कि somehow आपका क्या हो जाए, what happen कि accurate design करने के बावजूद भी somehow one point क्या हो जाए आपका, क्योंकि थोड़ा सा भी हीट लीकेज हुआ, थोड़ा सा भी प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ये कहां पे आ जाएगा, थोड़ा सा भी प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ये कहां पे आ जाएगा वेट रीजन में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि समहाउ, इसीलिए वर्ड यूटिलाइज कर रहा हूं मैं समहाउ, तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिसके कारण आपका क्या हो सकता है, दैट कम्स इन द वेट रीजन, ठीक है, वन पॉइंट कम्स इन द वेट रीजन इवन आफ्टर एग्जिट ऑफ द एक्यूरेट डिजाइन ऑफ द इवेपोरेटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्यूरेटली डिजाइंड इवेपोरेटर। तो हम क्या करते हैं, तो वेट रीजन में आ जाएगा, तो फर्दर लिक्विड ड्रॉपलेट्स
क्या हो जाएंगे, सस्पेंडेड इन द वेपर हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, अगेन आपका कंप्रेसर के लाइफ को क्या कर सकता है, अगेन कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है और लाइफ स्पैन रिड्यूस कर सकता है। इसलिए इस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल वैनिश करने के लिए, इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्लाइटली सुपर हीट कर देते हैं। ठीक है, इसको स्लाइटली सुपर हीट कर देते हैं, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही क्या कर देते हैं, बिल्कुल उसके पॉसिबिलिटी को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइट सुपर हीट कर देते हैं रेफ्रिजरेंट को। ठीक है, स्लाइट सुपर हीटिंग में नो डाउट थोड़ा सा वर्कडन जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वर्कडन बढ़ेगा, थोड़ा सा वर्कडन बढ़ने से बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बट बार बार कंप्रेसर का लाइफ स्पैन कम होने, कंप्रेसर का लाइफ स्पैन कम होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, आपका पूरा का पूरा डिवाइस, पूरा का पूरा होल सिस्टम ही क्या हो जाएगा, एक कंप्रेसर खराब हुआ पूरा होल सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा व्हाट हैपन किसी भी तरीके से हमारा ये वेट रीजन में ना रह जाए। देयर बी नो एनी पॉसिबिलिटी दैट वन पॉइंट रिमेन्स इन द वेट रीजन, दैट वन पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स इन द व्हाट, स्लाइट सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, दैट्स व्हाई ये एक रीजन हो गया, सारा कुछ हो गया, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं यहाँ पे एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन करूंगा कि आखिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन करूंगा जो कि वहां पे प्रीवियसली रह गया था। ठीक है, और यहाँ पे उस डिस्कशन को एंड करूंगा, उसके आगे सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर लूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था कि सुपर हीटेड रीजन में व्हाट हैपन एग्जैक्टली, वर्क इनपुट बढ़ जाता है। मैथमेटिकल एनालिसिस हमने देखा था, बट व्हाट इज एग्जैक्टली द फिजिकल रीजन, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सुपर हीटेड रीजन में अगर कंप्रेशन करते हैं हमारा वर्क इनपुट बढ़ जाता है, मैथमेटिकल एनालिसिस देखा था, लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन, फिजिकल रीजन बिहाइंड दैट, कि आखिर वर्क इनपुट बढ़ रहा है। देखिए थोड़ा ध्यान से, वन और वन डबल डैश को रियलाइज करना यहां पे लिख रहा हूं मैं, एस वन डबल डैश इज ग्रेटर दैन द एस वन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, The entropy at the one double dash is greater than the entropy at the one. What is that meaning? One dash पे आपका vapor more random, already you know very well that entropy किस चीज को show करता है, ठीक है ना, entropy shows that the disorderness mainly जो आपका है डिसऑर्डरनेस को शो करता है, वैसा है एंट्रोपी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करता है। ठीक है ना, बहुत सारी फिजिकली फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो एंट्रोपी का यही है, माइक्रोस्कोपिक व्यू आपका एंट्रोपी का यही है। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एंट्रोपी का यही है कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम को क्या, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। बट मैंने कहा बाकी और भी डिस्कशन होते हैं कि एंट्रोपी के कारण क्या क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट, एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस, बैड इफेक्ट क्या क्या आएगा एंट्रोपी के कारण, ये हम देखते हैं, बट नॉट हियर, दैट वन इज डिस्कस्ड, दैट वन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द व्हाट, थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली डील होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि एक्चुअली एंट्रोपी को अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो क्या होता है, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट इन जनरल व्हाट इज द बैड इफेक्ट, बैड कंसीक्वेंसेस ऑफ द एंट्रोपी, बहुत डिस्कशन होता है इसके बारे में। ठीक है, कि इस एंट्रोपी के कारण क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है आपके सिस्टम पे, व्हाट इज एग्जैक्टली, तो वो बाद की बात है, लेकिन हमें अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना है, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा कि एक क्या है, वन डैश, एक वेपर आपका मोर डिसऑर्डर्ड है और एक वेपर आपका लेस डिसऑर्डर्ड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक वेपर आपका मोर डिसऑर्डर्ड है और एक वेपर आपका लेस डिसऑर्डर्ड है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब
हाईली डिसऑर्डर्ड गैस को आप अपने कंप्रेसर में भेजोगे, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, उसे फर्दर कंप्रेस करना हमारे लिए क्या होगा, फर्दर कंप्रेस करना, दैट वन इज क्वाइट टिपिकल टास्क फॉर अस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि एक आपका क्या है, सेम प्रेशर पे एक आपका हाईली डिसऑर्डर्ड गैस है और एक आपका क्या है, लेस डिसऑर्डर्ड गैस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक आपका हाईली डिसऑर्डर्ड गैस है और एक आपका लेस डिसऑर्डर्ड गैस है। जब इसे आप क्या करते हो, जब इसे आप कंप्रेसर में भेजते हो हाईली डिसऑर्डर्ड गैस को, तो इसे फर्दर कंप्रेस करना हमारे लिए क्या होता है, दैट वन इज क्वाइट टिपिकल टास्क। दैट्स व्हाई इसके लिए क्या हो जाता है, आपका वर्क डन सेम प्रेशर पे राइज करने के लिए वर्क डन क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो डिसऑर्डर गैस क्या करेंगे, डिसऑर्डर गैस आपका रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे आपके कंप्रेशन में, इसलिए आपका क्या होता है, ज्यादा वर्क डन हमें करना पड़ता है फॉर द सेम प्रेशर राइज इन द केस ऑफ द सुपर हीटिंग कंप्रेशन इन द सुपर हीटिंग। ठीक है ना, इन द केस ऑफ द कंप्रेशन इन द सुपर हीटिंग, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू फाइनली कंक्लूड द होल थिंग, सारे डिस्कशन को मैं आप क्या करूंगा, कंक्लूड करूंगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू कंक्लूड द होल Think each and every point we have discussed here. Now the dry compression over the wet compression. सबसे पहला point क्या है? Theoretical point मैंने कहा, सबसे पहला point मैंने कहा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कुछ आपका ये वाला क्या किया था मैंने, theoretical point से discussion किया था। Theoretical point भी क्या है, unfavorable है, desirable नहीं है, और practical case भी आपका undesirable है। That's why what happened exactly. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली योर, देखिए मैंने कहा सबसे पहला थ्योरेटिकल पॉइंट है, इफ वी यूज वेट कंप्रेसर दैट सोज द मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, सो देयर विल बी द लॉस ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दिस इज द थ्योरेटिकल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम वेट कंप्रेशन कर ही नहीं सकते हैं, आपका आपके कंप्रेसर को डैमेज कर देगा, इसलिए इसे प्रैक्टिकली यूज ही नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं भी रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रैक्टिकल केस में कंप्रेसर को डैमेज नहीं भी करता, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है आपका, थ्योरेटिकल पॉइंट से भी अनफेवरेबल है ये। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू रियलाइज। सेकंड पॉइंट जो कि प्रैक्टिकल आपका एनालिसिस है, प्रैक्टिकल एनालिसिस है, ट्राई टू रियलाइज, मैंने कहा लिक्विड रेफ्रिजरेंट मे वॉश अवे द लुब्रिकेटिंग ऑयल, lubricating oil of the compressor, lubricating oil of the compressor thus increases the friction losses, so there may be wear and tear as well as refrigerant wear and tear, kya ho sakta hai aapka, there may be wear and tear as well as refrigerant liquid droplets, suspended in the vapor may damage the compression valve। ye kiske liye baat ho rahi hai, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए बात हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वन इज फॉर द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दैट्स व्हाई लाइफ एंड परफॉर्मेंस, लाइफ स्पैन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्रेसर डिक्रीजेस, लाइफ स्पैन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्रेसर डिक्रीजेस, दिस इज द सेकंड पॉइंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नाउ द थर्ड वन आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज for the centrifugal compressor or pump, the blades are designed, जो already previously लिख चुका हूं मैं, blades are designed in such a way it handle only one phase, either only liquid or gases। ठीक है ना, gases में आपका vapor phase भी आ गया obvious। ठीक है ना, clear? That's why slight superheating, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए slight superheating is desirable to remove any possibilities of liquid droplets suspended in the vapor, इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका slight superheating करते हैं, work done input, work input ज्यादा होने के बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि वर्क इनपुट स्लाइट इंक्रीज करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर कंप्रेसर आपका डैमेज हो गया तो वो क्या हो सकता है, आपके ओवरऑल
ओवरऑल आपका बाइंग कॉस्ट क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। पता चलेगा कि आपका फ्रिज या एसी एक से दो साल में ही खत्म हो गया, ठीक है। अगर कंप्रेसर ही पूरा खत्म हो गया तो फिर से बहुत अच्छा खासा अमाउंट उसमें क्या होना करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका फिर से एसी पूरा कंप्रेसर रिमूव करके दूसरा कंप्रेसर वहां पर लगवाना होता है। ट्राई टू रियलाइज, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका बाइंग कॉस्ट को ही इंक्रीज कर देगा, दैट वन इज अनकंफर्टेबल फॉर अस। थोड़ा सा डब्ल्यू इनपुट बढ़ा, थोड़ा सा बिल्कुल, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जो 20 साल 25 साल के बाद कुछ इफेक्टिव कैलकुलेशन आपको देगा, इफेक्टिव आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई, और आज के डेट में तो रेफ्रिजरेटर तो वैसे ही आप समझ रहे हो, ठीक है, कितना इफिशियंट हो चुका है कि CFL के बल्ब के अप्रोक्सीमेटली वो पावर इनपुट को यूटिलाइज करता है। आप रियलाइज कर सकते हो तो कितना आपका इफिशियंट हो चुका है आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा स्लाइड सुपर हीटिंग इसलिए करते हैं, किसी तरीके का पॉसिबिलिटी ही ना रह जाए कि लिक्विड ड्रॉपलेट आपका वेपर में सस्पेंडेड है। अदरवाइज अगर एग्जैक्टली ड्राई सैचुरेटेड वेपर पे निकल रहा है, अगर somehow बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, एक दो रीजन मैंने बताया आपको, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, somehow आपका फिर से वो वेट रीजन में चला जाए और लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपका वेपर में आ जाए, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपके कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। ट्राई टू रियलाइज, दैट्स व्हाई रिमूव एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द वेपर। एंड द फाइनल पॉइंट, व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर सुपर हीटिंग, इधर वी कुड यूज अ लार्ज साइज फॉर सुपर हीटिंग, इधर वी कुड यूज, ध्यान दीजिएगा, सुपर हीटिंग हो रहा है तो सुपर हीटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, सुपर हीटिंग इटसेल्फ हम इवेपोरेटर में कर सकते हैं, इटसेल्फ हम कहां कर सकते हैं, इवेपोरेटर में कर सकते हैं। ट्राई टू रियलाइज, इवेपोरेटर में अगर करेंगे तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेटर को साइज को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेटर के सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन में आपका एग्जिट, रेफ्रिजरेंट का एग्जिट सुपर हीटेड रीजन में होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है एक्चुअली फॉर सुपर हीटिंग, इधर वी कुड यूज लार्ज साइज इवेपोरेटर, लार्ज साइज इवेपोरेटर। सुपर हीटिंग आपका कहां पे हो, सुपर हीटिंग इज इन व्हाट, इवेपोरेटर में, सुपर हीटिंग इज इन इवेपोरेटर। ट्राई टू रियलाइज, सुपर हीटिंग इज इन इवेपोरेटर, तो इवेपोरेटर को साइज को बढ़ाना पड़ जाएगा, लार्ज साइज इवेपोरेटर। और वी कुड यूज अ लिक्विड वेपर, वी कुड यूज अ लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर, वी कुड यूज अ लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर। ट्राई टू रियलाइज, मैंने कहा कि दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आपका सुपर हीटिंग किसमें कर लो, सुपर हीटिंग इटसेल्फ इवेपोरेटर में कर लो, तो इवेपोरेटर को साइज को बढ़ाना पड़ जाएगा, या फिर क्या कर लो, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर को यूटिलाइज कर लो। डोंट वरी, इसके बारे में अभी डील करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू स्टार मार्क हियर, ठीक है, क्योंकि इसे हम डील करेंगे अभी। दो ऑप्शन है फॉर सुपर हीटिंग, इधर वी कुड यूज अ लार्ज साइज इवेपोरेटर और वी कुड यूज अ लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर, बट द लेटर चॉइस, बट द लेटर चॉइस, लेटर चॉइस का मतलब दिस वन, लेटर चॉइस का मतलब दिस वन, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर, लेटर चॉइस यानी बाद वाला, ठीक है, बाद वाला ऑप्शन, ठीक है, बाद वाला ऑप्शन क्या है हमारे लिए, मोर डिजायरेबल, ज्यादा डिजायरेबल है। क्यों ऐसा डिजायरेबल है कि जब हम लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा सुपर हीटिंग भी होता है, साथ ही साथ क्या होता है, कंडेंसर से बाहर निकलने के बाद सब कूलिंग भी होता है। ट्राई टू रियलाइज, मैंने कहा क्या होता है, आपका सुपर हीटिंग भी होता है लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर के कारण, और साथ ही साथ क्या होता है आपका, कंडेंसर से बाहर निकलने के बाद जो कंडेंसर से बाहर रेफ्रिजरेंट निकल रहा है हीट एक्सचेंजर में जाके, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर में क्या जाके फर्दर क्या होता है, सब कूल्ड भी होता है। तो ऑलरेडी बता चुका हूं सब कूलिंग के कारण क्या होगा आपका, फर्दर आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, ठीक है, तो देख लीजिए। बट द लेटर चॉइस इज मोर डिजायरेबल बिकॉज हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड्स बोथ सुपर हीटिंग at compression inlet and subcooling at the inlet of expansion valve.
सबकूलिंग एट द इनलेट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व से इन करने से पहले क्या करता है, सबकूलिंग भी प्रोवाइड करता है। तो मैंने कहा कि इस इवेपोरेटर में सुपर हीटिंग को तो हमने डील कर लिया है, कहाँ, जब हम सुपर हीटिंग केस ही देखा था, हमने सुपर हीटिंग केस, सुपर हीटिंग का केस देखा था, वहाँ पे हमने सुपर हीटिंग इटसेल्फ इवेपोरेटर में किया था, और अब यहाँ पे सुपर हीटिंग और सबकूलिंग किस में देखेंगे, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर। जो प्रीवियस हमने सब कूलिंग का केस देखा था वो कहाँ पे किया था हमने, वो हमने इटसेल्फ कंडेंसर में किया था, ठीक है। थोड़ा रियलाइज करना, जब कंडेंसर में आप क्या देखोगे, करोगे सब कूलिंग करोगे, जब कंडेंसर में आप सब कूलिंग करोगे फर्दर आपको क्या करना होगा, फर्दर आपको कंडेंसर के साइज को इंक्रीज करना होगा। कंडेंसर में अगर सब कूलिंग, फर्दर कंडेंसर के साइज को इंक्रीज, इवेपोरेटर में सुपर हीटिंग, फर्दर इवेपोरेटर के साइज को इंक्रीज करना होगा। लेकिन अगर लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर यूटिलाइज करते हो तो दोनों साइमल्टेनियसली आपका क्या होगा, आपका दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली आपके सब कूलिंग भी होगा और सुपर हीटिंग भी होगा। दिस इज एग्जैक्टली योर कंक्लूजन, ठीक है। Now we'll move to the next liquid vapor heat exchanger. Liquid vapor heat exchanger, ठीक है। Use of liquid vapor heat exchanger in VC cycle. Don't worry, ठीक है। Use of liquid vapor heat exchanger in the VC cycle. Now I'm going to discuss in proper manner. एक schematic diagram पहले देखेंगे हम, then after we will discuss. That is the condenser. That is the evaporator. ठीक है, यहां पे एक heat exchanger बनाया मैंने, that one is called as a liquid vapor heat exchanger, HEXD note कर रहा हूं मैं। क्या होगा, evaporator से बाहर निकला, अब evaporator से बाहर निकला उसे कहां भेजा, evaporator का temperature कम है, ठीक है, evaporator का temperature कम है, ध्यान से देखिएगा, that is the, or I'm going to draw with a different color to understanding purpose only, or condenser se jo aapka refrigerant bahar nikla uska temperature kya hai aapka, zyada hai, try to understand uska temperature kya hai, कंडेंसर से जो आपका रेफ्रिजरेंट निकला उसका टेम्परेचर ज्यादा है, दोनों आपस में क्या करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे इस हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंज करेंगे, दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे, तो आपका क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये आपको हीट दे देगा, आपको कुछ इस तरीके से कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसे हीट देगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जो फर्दर इस रेफ्रिजरेंट से जो बाहर निकला वो कहाँ जाएगा, इनलेट टू द कंप्रेसर, ये आपका इनलेट टू द रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर, ठीक है, एंड दैट वन इज, ठीक है, ये कंडेंसर में गया, और जो यहां से क्या आ रहा है, ये जो आपका कंडेंसर से जो आ रहा है हीट लूज करते हुए, ठीक है, वो कहां पे जाएगा आपका, That goes to the expansion valve, ठीक है,
that goes to the expansion. That goes to the expansion valve. और यहां से क्या होगा आपका फर्दर, ठीक है, दैट वन इज गोज टू द वन मिनट आई एम गोइंग टू इरेज इट इन वी डिस्कस इन प्रॉपर मैनर. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली योर स्कीमैटिक डायग्राम. वीसी साइकिल विद द यूज ऑफ लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर. अब नेमिंग कर दे रहा हूं मैं. मैंने कहा इवेपोरेटर इनलेट टू द इवेपोरेटर. इनलेट टू द इवेपोरेटर को हमेशा क्या कहते हैं, इनलेट टू द सॉरी इनलेट टू द रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर. दैट वन इज ऑलवेज कॉल्ड एज वन. दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज वन. आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर क्या कहते हैं, दैट वन इज ऑलवेज कॉल्ड एज टू. ठीक है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज टू, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. इनलेट टू द एक्सपेंशन वैल्व, दैट वन इज ऑलवेज कॉल्ड एज द थ्री. एंड इनलेट टू द इवेपोरेटर, दैट वन इज ऑलवेज कॉल्ड एज द फोर. सॉरी, हाँ ठीक है, ऑलवेज कॉल्ड एज द फोर. इनलेट टू द हीट एक्सचेंजर, इनलेट टू द हीट एक्सचेंजर जो हम कहेंगे, इनलेट टू द हीट एक्सचेंजर, इनलेट टू द हीट एक्सचेंजर, दैट वन इज कॉल्ड एज द वन डैश. इनलेट टू द हीट एक्सचेंजर इज कॉल्ड एज द हीट वन डैश, यानी कि इवेपोरेटर से एग्जिट और इनलेट टू द हीट एक्सचेंजर. एंड कंडेंसर से आउटलेट और इनलेट टू द हीट एक्सचेंजर इज फर्दर कॉल्ड एज इज फर्दर, यह आपका फर्दर कॉल्ड एज थ्री डैश. थ्री डैश, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द. तो क्या होगा आपका, कंडेंसर से जो निकला वो सबकूल्ड होगा हीट ट्रांसफर करने के कारण, और इवेपोरेटर से जो निकला वो हीट गेन करने के कारण क्या होगा, सुपर हीट होगा. तो दोनों के दोनों डिजायरेबल, दोनों के दोनों डिजायरेबल क्या हो रहे हैं आपके, डिजायरेबल कंडीशन हमें अचीव हो रहा है. ठीक है ना, ठीक है, वी गेट द बोथ डिजायरेबल कंडीशन, दैट इज सबकूलिंग एज वेल एज द सुपर हीटिंग. ठीक है, ये आपका यूज ऑफ लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर इन वीसी साइकिल हो गया. वी विल डिस्कस व्हाट, हम फटाफट डिस्कस करते हैं टीएस डायग्राम एज वेल एज द पीएस डायग्राम. रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर पे क्या होगा आपका, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर पे पावर इनपुट होता है, और इसी इवेपोरेटर में क्या होता है, दैट इज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज यहीं पे आपका क्या होता है, दैट विल बी द स्टोरेज स्पेस. स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज होता है, और स्टोरेज होने के कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, दे विल बी द दे विल बी द आरसी. तो आरसी ध्यान रखिएगा, 4-1 डैश इज द आरसी. इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट, जब तक इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है तब तक जितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द आरसी. That one is exactly called as the RC. Try to realize. यानी कि 4-1 dash आपका क्या होगा, RC होगा. ठीक है ना, और heat rejection की बात करूं, तो क्या होगा आपका, That one is surrounding. ये आपका surrounding है, That one is the surrounding. ठीक है, और surrounding में क्या हो रहा है आपका, That one is Q dot rejected. I hope you can understand. और power input to the, ठीक है, तो हीट रिजेक्शन जो हो रहा है 2-3 डैश हो रहा है. हीट रिजेक्शन जो हो रहा है आपका 2-3 डैश हो रहा है. ट्राई टू रियलाइज, मैं यहां पे टीएस डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं, और टीएस डायग्राम के बाद पीएस डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेंगे, वी विल डिस्कस. तो यहां पे टीएस डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ इन प्रॉपर मैनर, दैट वन इज द टीएस डायग्राम. ठीक है, दैट वन इज द टीएस डायग्राम. ठीक है, मैंने कहा क्या है आपका, सुपर हीटिंग
ठीक है, दैट वन इज योर वॉट, ठीक है, यही आपका क्या है, ये आपका वन हुआ इनलेट टू द कंप्रेसर, याद करिए, ये कौन सा पॉइंट हुआ, टू हुआ, ठीक है ना, ये कौन सा पॉइंट हुआ, थ्री हुआ, और ये कौन सा पॉइंट हुआ, फोर हुआ, लेकिन मैंने कहा कि एग्जिट, एग्जिट टू द इवेपोरेटर क्या है आपका, वन डैश है, और एग्जिट टू द कंडेंसर क्या है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द वन डैश एंड दिस वन इज सॉरी वन डैश एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द थ्री डैश, वन डैश, तो वन डैश मैंने क्या कहा, वन डैश आपका एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर है, यहीं पे दोनों इसीलिए शो कर रहा हूं, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, और ये क्या है आपका थ्री डैश, एग्जिट ऑफ कंडेंसर, एग्जिट ऑफ कंडेंसर, एग्जिट ऑफ कंडेंसर, ट्राई टू रियलाइज, दिस इज एग्जैक्टली योर वॉट, दैट इज कंप्लीट, दैट इज कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन। अब यहां पे आरसी कितना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड आरसी, यहीं पे लिख रहा हूं, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, दैट वन इज क्या लिख सकते हैं, आरसी इज एच वन, एच वन डैश माइनस एच फोर, ठीक है ना, एच वन डैश माइनस एच फोर, क्योंकि फोर टू वन डैश आपका इवेपोरेटर में जितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ उतना ही आपका आरसी कहलाएगा, और वन डैश टू वन किसमें है आपका, वन डैश टू वन आपका लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर में, दैट वन इज नॉट कम्स अंडर द आरसी, वो आपका आरसी में नहीं आएगा, ठीक है ना, एंड हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड मैंने कहा क्या कहा यहां पे आरसी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट लिखना होगा, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वन इज मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट भी लिखना होगा, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, एंड दैट वन इज टेकन टू बी क्यू डॉट रिजेक्शन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू, टेल मी, टू टू थ्री डैश एच टू माइनस एच थ्री डैश, ध्यान रखिएगा, वर्क इनपुट पावर इनपुट इज, पावर इनपुट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू एच टू माइनस इनलेट टू द कंप्रेसर एंड एग्जिट टू द कंप्रेसर एच टू माइनस एच वन, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, और वॉट हीट एक्सचेंजर पे एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस ऑन द हीट एक्सचेंजर, लास्ट पॉइंट, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस ऑन द हीट एक्सचेंजर, एनर्जी बैलेंस ऑन द हीट एक्सचेंजर, एनर्जी बैलेंस ऑन द हीट एक्सचेंजर क्या लिख सकते हैं, दैट वन इज, देखिए थोड़ा ध्यान से, अरे जितना आपका कंडेंसर से जो आउटलेट हो रहा है जितना रिजेक्ट करेगा उतना ही आपका इवेपोरेटर से जो एग्जिट हो रहा है उतना ही वो क्या करेगा, गेन भी करेगा ना, ठीक है ना, हीट लूज बाय द हायर टेम्परेचर फ्लूड इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द लोअर टेम्परेचर फ्लूड, क्लियरली, तो क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज एनर्जी बैलेंस ऑन द हीट एक्सचेंजर, व्हाट वी कैन राइट डाउन, एच वन माइनस एच वन डैश, इतना हीट लूज किया और कितना सॉरी इतना हीट लूज किया और कितना हीट, ठीक है ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी दैट वन इज ये क्या हुआ, दैट वन इज द हीट गेन, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वन इज व्हाट, दैट वन इज कॉल्ड एज द हीट गेन करोगे, ठीक है ना, और कितना हीट लूज करेगा, दैट वन इज थ्री डैश टू थ्री, दैट वन इज एच थ्री डैश माइनस एच थ्री, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका बहुत यूटिलाइजेशन होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका बहुत ही यूटिलाइजेशन होगा, दैट वन इज द हीट गेन एंड दैट वन इज द हीट लूज, ठीक है ना, हीट लूज, ठीक है ना, दिस इज एग्जैक्टली योर लिक्विड वेपर, लिक्विड यूज ऑफ लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर इन द वीसी साइकिल, नाउ वी विल सी द पीएच डायग्राम, नाउ वी विल सी द पीएच डायग्राम, यहां पे हमने ये टीएस डायग्राम देख लिया फॉर दैट यूटिलाइजेशन ऑफ लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर इन द वीसी साइकिल, नाउ विल सी द पीएच डायग्राम, पीएच डायग्राम के बाद एक छोटा सा पॉइंट नोट में देखेंगे, सबसे पहले हम पीएच डायग्राम देखते हैं, वी विल सी द पीएच डायग्राम हियर, दैट इज पी एच डायग्राम, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को पीएच डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं,
I want to represent all the process on the ठीक है. मैंने कहा कि दैट वन इज कॉल्ड एज अ वन, दैट वन इज कॉल्ड एज अ टू, दैट वन इज कॉल्ड एज अ थ्री एंड फोर फाइनली. ठीक है, और इसे मैंने क्या नाम दिया, दैट वन इज द वन डैश एंड दैट वन इज नेम्ड एज द थ्री डैश. ठीक है ना, मैंने यहां पे बताया था कि व्हाट इज एग्जैक्टली द आर ई पर यूनिट मास बेसिस, दैट वन इज द H1 dash minus H4, ठीक है, एंड हीट रिजेक्शन पर यूनिट मास बेसिस, हीट रिजेक्शन देख रहा हूँ मैं, तो पर यूनिट मास बेसिस हीट रिजेक्शन अगर यहाँ पे लिखूँ मैं, पर यूनिट मास बेसिस आई एम गोइंग टू राइट डाउन द हीट रिजेक्शन, दैट वन इज रिटन एज H2 minus H3 dash, दिस वन इज, ठीक है. और क्या बताया था मैंने, that one is the heat gain is equal to heat lose in the heat exchanger, energy balance, yahi dekha tha humne, energy balance sara kuch ek bar likh de raha hu, energy balance on heat exchanger is equal to heat gain, that is h1 minus h1 dash is equal to heat lose is 3 dash minus s3. And for throttling process, we know that what we can write down. For 3 to 4 process, we know that what H3 is equal to H4. इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पे आप H4 को S3 से replace कर सकते हो. This is exactly the liquid vapor. This is the PS diagram for liquid vapor heat exchanger utilizes in the what? Utilizes in the VC साइकिल. यहां पे एक छोटा सा नोट पॉइंट करके देखेंगे, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, इफ सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग, सब कूलिंग इटसेल्फ, इटसेल्फ इन द what in the evaporator and condenser respectively then, बिल्कुल ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है. then what we can write down, that is 1 2 3 4, ठीक है. this is exactly the superheating itself, superheating of refrigerant itself in the ठीक है, superheating of refrigerant itself in the water, itself in the evaporator and subcooling of refrigerant itself in the water, itself in the that is itself in the condenser, ठीक है. condenser में आपका subcooling हो रहा है और evaporator में superheating हो रहा है, जबकि यहाँ पे superheating और subcooling आपका एक different heat exchanger में हो रहा था, liquid vapor heat exchanger में हो रहा था, ठीक है. थोड़ा realize करें कि लगभग ऑलमोस्ट डायग्राम तो इसी तरीके से है, डायग्राम तो ऑलमोस्ट इसी तरीके का दिख रहा है, बट यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपके क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है. दैट वन इज नेम्ड एज सपोज टू बी द टी थ्री डैश एंड दैट वन इज सपोज टू बी द वन डैश, ठीक है.
डायग्राम ऑलमोस्ट इसी तरीके से दिख रहा है, यहां पे आर आर ई क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास बेसिस, दैट मीन इज एच वन माइनस एच फोर, ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पे आपका आर ई क्या है, आर ई इज एच वन डैश माइनस एच फोर डैश। मैंने कहा था आपसे आर सी एक्चुअली क्या है, आर सी आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, वो हीट है जो स्टोरेज स्पेस से क्या कर रहा है, इवेपोरेटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली द आर सी। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो आर सी यहां पे क्या होगा, स्टोरेज स्पेस कहां से कहां तक, स्टोरेज स्पेस फोर टू ऑफ स्टोरेज स्पेस से जो हीट एक्सट्रैक्शन कर रहा है रेफ्रिजरेंट इन द वेपर, वो कहां से कहां तक, फोर टू वन, फोर टू वन। तो आर ई आपका ये हो जाएगा, पर यूनिट हीट रिजेक्शन की अगर बात करें इन द कंडेंसर, इन द कंडेंसर क्या लिखेंगे, दैट वन इज द एस टू माइनस एस थ्री, जबकि यहां पे हमने क्या लिखा है, जबकि यहां पे क्या लिखा है, एस टू माइनस एस थ्री डैश, ध्यान दीजिएगा, ये नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी है, दैट नोट पॉइंट इज क्वाइट नेसेसरी, ठीक है। आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है, दैट इज योर एंड ऑफ योर व्हाट, यूज ऑफ लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर इन वीसी साइकिल, ठीक है, सारा कुछ देख लिया हमने, एक छोटा सा नोट पॉइंट देखेंगे हम। मैंने बताया था कि डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सब कूलिंग करना क्यों जरूरी होता है, थोड़ा रियलाइज करें, ऑलरेडी हम लोग ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देख चुके हैं, सीपी इंटू डी टी माइनस वॉट वी कैन राइट डाउन द टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम इंटू द डी पी, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर थ्रॉटलिंग ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस व्हाट इज डी एच क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, एंड दैट सीपी डी टी इज इक्वल टू टी डेल वी बाई डेल टी इंटू पी माइनस वी इंटू डी पी। और मैंने बताया था आपको कि गैसियस फेज के लिए ये टर्म उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ऑलरेडी बताया था मैंने फॉर एन आइडियल गैस, ये बताया था मैंने फॉर एन आइडियल, याद करिए, फॉर एन आइडियल गैस क्या हो गया था आपका, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव अगेन, प्लीज अपने प्रीवियस, ठीक है, दैट वन बिकम्स जीरो, ठीक है ना, दैट वन बिकम्स जीरो, जिसके कारण टेम्परेचर चेंज क्या हो गया था, टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू डी टी भी आपका क्या हो गया था, टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू जीरो हो गया था फॉर एन आइडियल गैस। यानी कि मैंने बताया था कि अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, क्या हो रहा है आपका, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, अगर आइडियल गैस पास कर रहा है, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो मैंने कहा कि एक्चुअली जब आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली सपोज टू बी कोई पॉइंट यहीं पे रह गया, डिफरेंट कलर से यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू डू विद द डिफरेंट कलर, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि कोई पॉइंट एक्सपेंशन वाल्व से कंडेंसर से जो एग्जिट हुआ कहीं यहीं पे रह गया, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज दैट आपका आरसी क्या हो जाएगा, आपका RE पर यूनिट मास बेसिस क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास बेसिस, पर यूनिट मास बेसिस आपका डिक्रीज कर जाएगा, देखो ना यार, ठीक है, मैंने कहा कि अगर कोई पॉइंट अगर यहीं पे रह गया, जब यहां से ड्रॉ करोगे आप पीएस डायग्राम, व्हाट यू कैन रियलाइज आपका क्या हो जाएगा, आपका आरई पर यूनिट मास बेसिस का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ये तो रहा थ्योरेटिकल पॉइंट, अब थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर लें, तो होता क्या है कि जब आप सेकेंड पॉइंट, ठीक है, जब आपका वेपर
वेपर रेफ्रिजरेंट वेपर इफ रेफ्रिजरेंट वेपर पास थ्रू इफ रेफ्रिजरेंट वेपर पास थ्रू वॉट पास थ्रू द वॉट पास थ्रू दैट थ्रॉटलिंग वाल्व और एक्सपेंशन वाल्व थ्रॉटलिंग और एक्सपेंशन एक्सपेंशन वाल्व व्हाट हैपन एग्जैक्टली क्या होगा आपका इफ रेफ्रिजरेंट वेपर पास थ्रू द थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन वाल्व इसके कारण क्या होगा इसके कारण बहुत ज्यादा इफेक्टिवली टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा ये टर्म बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएगा ये टर्म आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएगा ठीक है ना ये टर्म आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएगा देखिए इफेक्टिव तो रहेगा क्योंकि आपका वेपर आइडियल गैस नहीं है ट्राई टू रियलाइज वेपर आपका आइडियल गैस नहीं है इसलिए इफेक्टिव तो रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता है जिसके कारण इफ रेफ्रिजरेंट वेपर पास थ्रू द थ्रॉटलिंग और एक्सपेंशन वाल्व व्हाट हैपन एग्जैक्टली दिस टर्म इज नॉट क्वाइट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट दिस टर्म इज नॉट क्वाइट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट the if refrigerant vapor pass through the throttling valve as a result the desired temperature may not be achieved desired temperature may not be achieved in the evaporator desired temperature may not be achieved in the evaporator try to realize theek hai desired temperature may not be achieved this is exactly your theek hai this is exactly your what second point theek hai second point aur the teesri baat ye ki jab aapka vapor refrigerant vapor pass hota hai to kya hota hai aapka कि रैंडमनेस एक्चुअली आपका पास होता है तो उसका रैंडमनेस क्या होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है अब मान लो कि कोई पॉइंट यहीं पे है दैट सम पॉइंट इज हियर और इसका रैंडमनेस क्या होगा जब पास करेगा तो व्हाट हैपन आफ्टर द एक्सपेंशन उसका इंट्रोपी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है इन डिसऑर्डरनेस इन द मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है तो क्या होगा further now you can realize rc ka value kya hoga rc ka value yani ki for the same mass flow rate rc ka value kya ho jayega decrease ho jayega for the same mass flow rate isliye maine kaha re per unit mass basis decreases if refrigerant vapor pass through the throttling expansion valve as a result do cheeze dhyan dijiyega maine kaha ki actually do cheeze कि मैंने कहा कि अगर रेफ्रिजरेंट वेपर अगर पास किया तो एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन क्या होगा डिसऑर्डरनेस इन द मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा होगा यानी कि उसका एंट्रोपी क्या होगा ज्यादा होगा एज अ रिजल्ट आरई क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा और आरई डिक्रीज कर जाएगा सेकंड थिंग इफ रेफ्रिजरेंट वेपर पास थ्रू द थ्रॉटलिंग वाल्व दिस टर्म इज नॉट क्वाइट इफेक्टिव ये आपका टर्न बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता मैंने कहा कि होगा तो इफेक्टिव जरूर क्योंकि ये वेपर हमारा आइडियल गैस नहीं है रियल गैस है और आइडियल गैस के लिए ये टर्म क्या होता है आपका जीरो हो जाता है बट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना इफेक्टिव होना चाहिए एज अ रिजल्ट डिजायर्ड टेम्परेचर मे नॉट बी अचीव्ड इन द इवेपोरेटर इसीलिए क्या एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर In the liquid refrigerant, क्या करते हैं उसे Any possibility of liquid vapor in the liquid refrigerant, we have to remove. ठीक है ना We have to remove. ठीक है जिससे आपका क्या हो हमारा आरई का वैल्यू इंक्रीज करे और डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव्ड हो ठीक है डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव्ड हो दिस इज एग्जैक्टली द फिनोमेना तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ठीक है
तो यहां पे एक नोट पॉइंट का, नोट का दूसरा पॉइंट हो गई है, ठीक है, दैट इज ऑफ नोट का दूसरा पॉइंट, ये तो आपका नोट का दूसरा पॉइंट सबकूलिंग इज डन ड्यू टू रिमूव एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्यू टू रिमूव एनी पॉसिबिलिटीज रिमूव एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर और यू कैन से द फ्लैशिंग ऑफ वेपर फ्लैशिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लैशिंग का मतलब ही होता है वेपर में कन्वर्जन, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्जन, फ्लैशिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिफोर द इनलेट ऑफ एक्सपेंशन एक्सपेंशन वाल्व, दिस इज एग्जैक्टली योर पॉइंट, ठीक है, इसीलिए हम तो इसीलिए एक्चुअली क्या करते हैं, अब ये दो तरीके से किया जा सकता है, ऑलरेडी बताया मैंने, एक तो आपका सब कूलिंग इटसेल्फ इन द कंडेंसर, या फिर क्या करते हैं सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखवाया था, याद करिए, इसीलिए मैंने दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, तो मैंने कहा कि ये अगर रेफ्रिजरेंट वेपर रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैंने कहा कि या तो इंडिविजुअली आप कंडेंसर में करो, ठीक है ना, इंडिविजुअली आप कंडेंसर में सब कूलिंग करो, या फिर आप क्या करोगे, लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट लगाओगे, तो दोनों चीजें स्लाइट सुपर हीटिंग भी अचीव हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, सब कूलिंग भी अचीव हो जाएगा, ठीक है, दैट्स वाई यहां पे लिख दे रहा हूं, दैट्स वाई लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर is utilized, liquid vapor heat exchanger is utilized, ठीक है, this is your final conclusion for the VC cycle, ये आपके VC cycle का final conclusion है, ठीक है, now we'll move to the next one, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे हम कि what is exactly why we will utilize here, next point क्या देखेंगे हम लोग, why we will utilize here throttling valve instead of isentropic expander, sometimes it is also called as a cooling, isentropic expander को sometimes also called as a cooling turbine, sometimes also called as a cooling turbine, this one is quite important, ध्यान दीजिएगा, sometimes it is also called as a कूलिंग टर्बाइन, ठीक है, कूलिंग टर्बाइन कहते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता, थोड़ा रियलाइज करें, मैंने कहा कि एक स्कीमेटिक डायग्राम पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस, ये आपका कंडेंसर है, दैट वन इज द कंडेंसर, ये आपका क्या है, दैट वन इज व्हाट, कंप्रेसर तो है ही, दैट वन इज द कंप्रेसर, और ये आपका इवेपोरेटर, That one is the evaporator.
अब यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व ना लगा के हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया विच इज नेम्ड एज ठीक है दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ कूलिंग टर्बाइन, कूलिंग टर्बाइन। ये भी क्या करता है आपका टेम्परेचर और प्रेशर को डिक्रीज करता है, दैट वन इज ऑल्सो डिक्रीजेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसके थ्रू क्या होता है आपको कुछ वर्क डन भी मिल जाता है, ट्राई टू रियलाइज इसके थ्रू आपको क्या मिल जाता है, कुछ सॉफ्ट आउटपुट भी मिल जाता है, देयर विल बी सम सॉफ्ट आउटपुट वर्क फ्रॉम द कूलिंग टर्बाइन, ठीक है ना। और ये आपका कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर जिसपे हम क्या करते हैं व्हाट हैपन एग्जैक्टली पावर इनपुट देते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ थ्रॉटलिंग वाल्व में क्या हो रहा है, वर्क डन आपका जीरो है, थ्रॉटलिंग वाल्व में वर्क डन आपका जीरो है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कूलिंग टर्बाइन, दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज समटाइम्स यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर, दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर, आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर। इसके कारण क्या मिल जाता है आपको, कुछ वर्क आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। और जितना पावर, तो नेट इनपुट कितना हो जाएगा, नेट इनपुट इज इक्वल टू डब्ल्यू कंप्रेसर माइनस डब्ल्यू कूलिंग टर्बाइन, ठीक है ना। अब आपका नेट इनपुट डिक्रीज हो जाएगा, नेट इनपुट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप क्या आ रहा है थ्रॉटलिंग वाल्व में देयर विल बी नो एनी वर्क डन, Try to understand. Throttling valve में there will be no any work done. जबकि यहाँ पे कुछ work done मिल रहा है, तो that one is quite beneficial for us ना? ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे लिए beneficial होगा क्योंकि net input को क्या कर दे रहा है? Network input को decrease कर दे रहा है. Try to understand. Throttling valve में हमारा work done zero, लेकिन आपका power input इस cooling turbine में क्या होगा? कुछ आपको power input output मिलेगा, तो net input क्या कर देगा हमारा? Decrease कर देगा. That is the compressor work minus turbine, cooling turbine work, or you can say the isentropic expander. तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? That one is more beneficial. This one is. लेकिन फिर भी इसकी जगह obvious ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ज़्यादा beneficial हो जाएगा, क्योंकि COP क्या होता है हमारा? COP क्या हो जाएगा हमारा? COP is equal to RC by power input to the compressor minus power out from the turbine. ठीक है, आपका net COP ये हो जाएगा. अरे network input कितना गया? This is exactly. ठीक है, try to realize. ठीक है, RC by power input compressor minus what? तो जब same RC के लिए, और ये क्या हो गया आपका, जब थ्रॉटलिंग वाल्व के लिए ये जीरो था, सिर्फ और सिर्फ पावर इनपुट था, जब ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये दोनों आप काउंट करोगे इस कूलिंग टर्बाइन के लिए, ये डिक्रीज कर जाएगा, एज अ रिजल्ट आपका सीओपी क्या हो जाएगा, सीओपी हमारा इंप्रूव हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ द वीसी साइकिल क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बट इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं आप अपने, इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं That one is denoted as like this one. That one is denoted as like this one. Try to realize them. TS diagram hai, dhyan dijiyega. That one is a TS diagram. This is exactly your TS diagram. ध्यान दीजिएगा TS diagram, ठीक है। जो 1-2 isentropic compression, 3-4 क्या हो रहा था आपका, 3-4 throttling valve से पास कर रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था आपका, आपका entropy इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे entropy आपका इंक्रीज नहीं करेगा, isentropic expander कहलाता है ये, that one is called as isentropic expander, isentropic expander, जिसके कारण ये अब आपका, बट वॉट हैपन एग्जैक्टली यहां पे क्या होगा आपका, दैट वन इज अगेन
एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, और यहाँ पे ये पावर इनपुट लेगा और यहाँ पे पावर आउटपुट मिलेगा, 3 to 4 आपका पावर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा रियलाइज करें प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कूलिंग टर्बाइन इज ऑल्सो एन ओपन सिस्टम है आपका। कूलिंग टर्बाइन इज ऑल्सो एन ओपन सिस्टम। ठीक है, कूलिंग टर्बाइन भी आपका ओपन सिस्टम है, और इस पर यह भी किसमें रहता है, कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी स्टेट एज्यूम कर लिया मैंने, दैट वन इज ऑल्सो रिमेन्स इन द स्टेडी स्टेट। जब सब डिवाइस को स्टेडी स्टेट में माना है तो ये भी किसमें होगा, स्टेडी स्टेट एज्यूम कर लिया। सेकेंड वन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वॉट इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा मैंने कहा कि आइसेंट्रॉपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो। याद करिए, जब हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम। याद करिए प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, याद करिए, ऑलरेडी ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूं, द डब्ल्यू कंप्रेसर इज इक्वल टू माइनस VDP, डब्ल्यू कंप्रेसर इज इक्वल टू माइनस VDP, ट्राई टू रियलाइज, डब्ल्यू कंप्रेसर इज इक्वल टू माइनस VDP। ठीक है, कंप्रेसर बोल रहा हूं, दैट वन इज द डब्ल्यू कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है ना, कंट्रोल वॉल्यूम, और यहां पे कंट्रोल वॉल्यूम क्या है आपका, टर्बाइन है, दैट वन इज द टर्बाइन, कूलिंग टर्बाइन। ठीक है ना, कंट्रोल वॉल्यूम यहां पे क्या है, कूलिंग टर्बाइन है। अब यहां पे रियलाइज करें कि यहां पे लिखूंगा मैं फॉर द लिक्विड, एंटर क्या करेगा आपका, सैचुरेटेड लिक्विड। थ्री पे क्या एंटर करेगा, सैचुरेटेड लिक्विड। फॉर लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज क्वाइट निग्लेजिबल। पहली बात कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, क्वाइट निग्लेजिबल। एज अ रिजल्ट वर्क डन ऑफ कूलिंग टर्बाइन इज ऑलमोस्ट is quite negligible, The work done by the cooling turbine is quite negligible per unit mass flow rate of refrigerant. The W of cooling turbine is quite negligible per unit mass flow rate of refrigerant. पहली बात थोड़ा ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड के लिए क्या होता है, लिक्विड के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम याद करिए ना, डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 1/ρ। ठीक है, अब आप जानते हैं कि लिक्विड के लिए डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत, इफ द रो इज लार्ज then specific volume is less and then density of the liquid is quite large respectively the gases. Try to understand, density of the liquid is quite large respectively the gases. Gases ka density almost negligible hota hai with respect to the liquid. Jab liquid aapka density bahut zyada, what happen, uska specific volume bahut kam. Jab specific volume bahut kam, almost kya maan sakte ho, almost negligible. ठीक है, अब यहीं पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, रो ऑफ द वाटर ऑलमोस्ट क्या लेते हैं, रो ऑफ द वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। नाउ यू कैन रियलाइज द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब पर केजी, दैट वन इज ऑब्वियस क्वाइट नेग्लेजिबल यार। नाउ यू कैन रियलाइज, आप रियलाइज कर सकते हो कि ये क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी कैन से,
तो वही मैंने कहा कि फॉर द लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज क्वाइट नेग्लेजिबल, दैट्स व्हाई द कूलिंग वर्क डन फॉर द कूलिंग टर्बाइन इज क्वाइट नेग्लेजिबल पर यूनिट मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट. दिस इज द फर्स्ट वन. द सेकंड थिंग इज दैट कि ठीक है, आइडियली आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, बट ऑन द प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, but on the practical interest there must be some internal irreversibility. Or use kya kehte hain, irreversible adiabatic. Yaad kariye, already bata chuka adiabatic process. ठीक है, ट्राई टू रियलाइज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगा तो ऑब्वियस वर्क डन आउटपुट इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू आउटपुट इन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन. ठीक है ना, irreversible adiabatic condition. तो मैंने कहा कि पहले ही even for the reversible adiabatic condition के लिए small ये specific volume बहुत negligible है, इसलिए per unit mass flow rate of refrigerant almost क्या होगा, negligible होगा. ये reversible के केस में बता रहा हूँ कि negligible होगा. जब यहाँ पे थोड़ा सा भी क्या होगा आपका irreversible adiabatic process होगा तो वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा. ठीक है, almost negligible. That's why practically there is a negligible work output for the isentropic expander in VC cycle. ठीक है, isentropic expander in the VC cycle. ठीक है, compare to its cost. पहली बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि compare to its cost का मतलब its किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, compare to the cost of, या ऐसा भी लिख सकते हैं compare to the cost of cooling टर्बाइन. इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि कूलिंग टर्बाइन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कूलिंग टर्बाइन का कॉस्ट क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है. ठीक है, कूलिंग टर्बाइन का इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, फर्स्ट थिंग, कूलिंग टर्बाइन का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है. अगर उसको लगाओगे तो आपका रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा. उसका इनर्सिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इनर्सिया इन द सेंस ऑब्वियस. उसका मास क्या हो जाएगा, सिस्टम बल्कि हो जाएगा, सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. ट्राई टू रियलाइज, पहला मैंने कहा कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा, दूसरा सिस्टम बल्कि हो जाएगा, सिस्टम का मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और उसके कंपेयर में डब्ल्यू आउटपुट ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा. ठीक है ना, कंपेयर टू द अदर एनर्जी इसे ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे जीरो मान सकते हैं. तो इसके लगाने का हमें बेसिकली कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ. जब इसके लगाने का हमें लगाया हमने किस लिए, कि हमें वर्क आउटपुट मिले. लगाया यहाँ पे हमने किस लिए, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर. ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर लगाया हमने किस लिए, ताकि यहाँ पे हमें वर्क आउटपुट मिले. और वर्क आउटपुट मिलने के कारण क्या होगा, हमारा वर्क आउटपुट मिलने के कारण एक्चुअली सीओपी फॉर द सेम आरसी, सीओपी हमारा परफॉर्मेंस ऑफ द वीसी साइकिल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. बट हमें क्या रियलाइज हो रहा है, हमें ये रियलाइज हो रहा है कि फाइनली आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर लगा भी दिया, वर्क आउटपुट क्या मिल रहा है, नेग्लेजिबल अदर एनर्जी के रेस्पेक्ट में, दैट वन इज कंप्लीटली नेग्लेजिबल. और जब ये कंप्लीटली नेग्लेजिबल है,
अब जब ये कंप्लीटली नेग्लेजिबल है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब ये कंप्लीटली नेग्लेजिबल है इसके लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, जबकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा और साथ ही साथ सिस्टम आपका क्या हो रहा है, बल्कि हो रहा है, ट्राई टू रियलाइज। और बार बार उस टर्बाइन का, उस कूलिंग टर्बाइन का मेंटेनेंस भी, ठीक है ना, तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका एक्सपेंस ऐड ही होगा, ठीक है ना, वो भी कॉस्ट आपका ऐड ही होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट उस टर्बाइन का, ट्राई टू रियलाइज। इतना ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो गया, बट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, उतना वर्क आउटपुट मिल नहीं रहा है इसीलिए। और आपका थ्रॉटलिंग वाल्व, क्या थ्रॉटलिंग वाल्व इज नॉट क्वाइट कॉस्टली, ठीक है ना, थ्रॉटलिंग वाल्व इज नॉट क्वाइट कॉस्टली, सिंपल थ्रॉटल वाल्व एक्सपेंशन वाल्व इज नॉट क्वाइट, मतलब नॉट क्वाइट कॉस्टली का टर्बाइन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कॉस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टर्बाइन के रेस्पेक्ट में फिर भी मैं कह रहा हूं कि नॉट क्वाइट कॉस्टली, इसका मतलब दैट वन इज एक्चुअली थ्रॉटलिंग वाल्व इज नेग्लिजिबली, ठीक है ना, दैट वन इज यू कैन से चीपर दैन, चीपर, दैट वन इज क्वाइट चीप, वॉट दैन द आपका आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर, दैन द आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर, ट्राई टू रियलाइज। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रॉटलिंग वाल्व लगाते हैं इंस्टीड ऑफ आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर। व्हाई विल यू यूटिलाइज थ्रॉटलिंग वाल्व, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि थ्रॉटलिंग वाल्व बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही, ठीक है, इट इज क्वाइट चीपर दैन द आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर, ठीक है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट होता है रेस्पेक्टिव द, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट रेस्पेक्टिवली द वॉट, थ्रॉटलिंग वाल्व हैविंग नेग्लिजिबल कॉस्ट रेस्पेक्टिव द विथ रेस्पेक्ट टू वॉट आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूटिलाइज करते हैं, वी विल यूटिलाइज हियर वॉट थ्रॉटलिंग वाल्व इंस्टीड ऑफ आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर। नाउ वी विल मूव टू द वॉट, नाउ वी विल मूव टू द कैस्केड रेफ्रिजरेशन, ठीक है। याद होगा प्रीवियसली थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि अगर इवेपोरेटर प्रेशर बहुत ही कम हो जाए तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बहुत ही कम हो जाएगा, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी आपका कम हो जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज बैड इफेक्ट मैंने बताए थे, ठीक है। इंडिविजुअल कंप्रेसर का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, इंडिविजुअली कंप्रेसर का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा तो ओवरऑल वीसी साइकिल का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई ये जनरली इस तरीके का रेफ्रिजरेशन, जब स्टोरेज स्पेस में बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इवेपोरेटर का प्रेशर बहुत ही कम करना होता है, और इस तरीके का अगर स्टोरेज में आपका बहुत कम टेम्परेचर होता है तो इस केस में आप सिंगल कंप्रेसर ना यूटिलाइज करके क्या करते हो, या तो मल्टीपल कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं या फिर कैस्केड रेफ्रिजरेशन यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीपल कंप्रेसर एक्चुअली हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। मल्टीपल कंप्रेसर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पावर प्लांट में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पावर प्लांट में हम मल्टीपल कंप्रेसर देखेंगे, बट हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मल्टीपल कंप्रेसर नहीं पढ़ना है, एंड सीधा हमें क्या पढ़ना है, कैस्केड रेफ्रिजरेशन पढ़ना है, ठीक है, जिसमें दो रेफ्रिजरेशन सिस्टम सीरीज में अटैच होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द कैस्केड सिस्टम आई एम गोइंग टू डील हियर अ स्मॉल कॉन्सेप्ट दैट इज Carnot cycle as VC cycle। क्या Carnot cycle को VC cycle की तरह use कर सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले एक छोटा सा concept है, ठीक है, बहुत important है, अपने आप में realize करना है हमें कि क्या Carnot cycle हम VC cycle की तरह use कर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद हम लोग cascade system देखेंगे। तो Carnot refrigeration cycle के बारे में तो पूछिए, already हम लोग previously पढ़ ही चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, थोड़ा सा रियलाइज कर लेते हैं एक बार प्रीवियस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मैंने कहा कि ऑलरेडी Carnot रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या है, आपका Carnot रेफ्रिजरेशन में साइकिल में आपका दो आइसो थर्मल प्रोसेस है और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है ना, दो आइसो थर्मल प्रोसेस और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दैट इज 1, 2, 3, 4, that is 1 to 2 isentropic compression, 2 to 3 is heat rejection, already bata chuka hu isothermal heat rejection, 3 to 4 isentropic expansion, and 4 to 1 is isothermal heat addition, that one is called as the RC, theek hai।
ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि, और एक चीज पहले यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे जो वर्किंग फ्लूड है, हालांकि ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्किंग फ्लूड आपका कार्नोट साइकिल जो है, दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग फ्लूड, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर लिमिट, दैट वन इज कॉल्ड एज द वॉट, टी एच, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द टी एल, ठीक है ना। एंड सीओपी क्या लिखा था मैंने, द सीओपी इज इक्वल टू टी एल रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है, और यही पे हीट पंप की तरह यूटिलाइज होगा तो क्या हो जाएगा, टी एच बाई टी एच माइनस टी एल हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने कहा कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, वर्किंग फ्लूड इस साइकिल के लिए, वर्किंग फ्लूड जो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हम जानते हैं पावर कंज्यूमिंग साइकिल होता है, वर्किंग फ्लूड इज हियर, वर्किंग फ्लूड इज, ऐसा लिख लेते हैं, हियर वर्किंग फ्लूड इज इन सेम फेज, हियर वर्किंग फ्लूड इज इन सेम फेज, ठीक है, हियर वर्किंग फ्लूड इज इन सेम फेज थ्रू आउट द साइकिल आपका क्या है, आपका यहां पे वर्किंग फ्लूड कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, या कोई अदर वर्किंग फ्लूड हो सकता है, कोई अदर रेफ्रिजरेंट हो सकता है, ठीक है। बट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल के लिए, और कार्नोट साइकिल हमारा क्या होता है, कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल होता है, इंटरनली रिवर्सिबल एज वेल एज externally reversible, that one is not depends on the working fluid, that only depends on the COP, only depends on the temperature limit. But मैंने कहा था कि that one is a theoretical cycle. क्यों theoretical cycle है? Because of the combination of isothermal process and what? Because of the combination of isothermal process and isentropic process. और मैंने बताया था कि basically ये isothermal process, basically that isothermal process, heat rejection or heat addition at that isothermal process is not possible. क्यों? क्योंकि यहाँ पे heat rejection और heat addition at constant temperature होने में क्या होगा? Infinite time लगेगा. What is the meaning of the infinite time? Infinite time का मतलब ये होता है, इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये होता है बहुत ही लॉन्ग टाइम लग जाएगा हीट एडिशन होने में कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और प्रैक्टिकली बात की जाए तो प्रोसेस, एक सर्टेन प्रोसेस जो कि फाइनाइट टाइम में हो रहा है, यानी कि उसके लिए फाइनाइट टाइम में हो रहा है, यानी कि उसके लिए कोई भी हीट एडिशन और कोई भी हीट रिजेक्शन होगा नहीं, इसका मतलब कोई भी हीट एडिशन कोई भी हीट रिजेक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली बात करें तो हीट एडिशन हीट रिजेक्शन होगा ही नहीं, तो प्रैक्टिकली ये साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे ये तो प्रैक्टिकल बात समझें, दूसरे मैनर में इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने कहा कि लॉन्ग टाइम लगेगा, यानी कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस, एंड आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस इज क्वाइट फास्ट प्रोसेस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक डिवाइस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस वन इज थ्योरेटिकल साइकिल। ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं मैं, नाउ आई एम गोइंग टू डील, यहां पे क्या है आपका वर्किंग फ्लूड, दैट्स अनदर मैटर कि कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल आपका वर्किंग फ्लूड से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, बट स्टिल यहां पे भी हम रियलाइज करेंगे। वर्किंग फ्लूड इज इन सेम फेज, यहां पे वर्किंग फ्लूड क्या है आपका, सेम फेज में है थ्रू आउट द साइकिल। लेकिन वहीं पे आपका अगर वर्किंग फ्लूड क्या हो, थ्रू आउट द साइकिल फेज चेंज करे, अगर फेज चेंज करेगा तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें यूनरी फेज डायग्राम पे, यानी कि सिंपली फेज कहें तो फेज डायग्राम पे डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है, फेज डायग्राम पे डिनोट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे कार्नोट साइकिल, वेदर द कार्नोट साइकिल इज पॉसिबल एज अ वीसी साइकिल और नॉट, और यू कैन से वेदर द कार्नोट साइकिल इज पॉसिबल ऑन द फेज डायग्राम और नॉट, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। Possible or not when there will be the phase changes of the working fluid. ठीक है, working fluid is going to change the phase. That is the, I'm going to deal here. हमारा Carnot cycle
That is our Carnot cycle. 1, 2, 3, 4. थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने कहा यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस पे आपका फाइनाइट टाइम के लिए आरसी और क्यू रिजेक्शन ऑलमोस्ट जीरो होगा, जिसके कारण ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. एंड दैट वन इज ओनली द थ्योरेटिकल साइकिल, और ये दैट वन इज ओनली यूटिलाइज फॉर द बेंचमार्क, रेफरेंस साइकिल की तरह यूज करते हैं अदर साइकिल्स को इंप्रूव करने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, 4 to 1 and 2 to 3, थोड़ा देखिए ध्यान से, 4 to 1 and 2 to 3 processes are somewhat possible if we maintain the constant pressure. अगर constant pressure को maintain करते हैं तो ये 4 to 1 or 2 to 3 दोनों के दोनों process क्या हैं, somewhat possible है, because already pure substance पढ़ चुके हैं, because in weight reason constant pressure line and constant temperature line both are same. ठीक है, तो 2 to 3 क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस भी कह सकते हैं. 4 to 1 क्या कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कह सकते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वेट रीजन, दोनों के दोनों वेट रीजन में है. ये क्या हो रहा है आपका, 2 to 3 कंडेंस हो रहा है, और 4 to 1 क्या हो रहा है आपका, इवेपोरेट हो रहा है. ठीक है ना, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब तक ये वेट रीजन में है, अगर कॉन्स्टेंट आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तब तक ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पॉसिबल है, और इसमें आपका हीट एडिशन भी होता है बाय द लैटेंट हीट, इसमें आपका हीट एडिशन भी होता है बाय द लैटेंट हीट, और इसमें आपका हीट रिजेक्शन भी होता है, इसमें आपका हीट रिजेक्शन भी होता है इन इन टर्म्स ऑफ लैटेंट हीट. लैटेंट हीट आपका रिजेक्ट भी होता है 2 to 3 अगर कंडेंस हो रहा है तो. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज. ठीक है, तो यानी कि यहां पे मैंने कहा कि 4 to 1 or 2 to 3 पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, यहां पे मैंने कहा कि 4 to 1 आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, और ये क्या है आपका, टी इवेपोरेटर है, और दैट वन इज कॉल्ड एज अ टीएल, दैट वन इज टी कंडेंसर, एंड दैट वन इज टीएच. यहां पे भी मैंने कहा कि दैट वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, तो सीओपी क्या होगा, सीओपी वन एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर लिमिट, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट वन इज द टीएल बाई TH minus TL. वहीं पे हीट पंप की बात करेंगे, हीट पंप Carnot हीट पंप as VC cycle, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TH by TH minus TL हो जाएगा. Try to understand. मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने बताया, इस केस के लिए मैंने बताया 4 to 1 or 2 to 3 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पे आप रियलाइज कर रहे हो 4 to 1 आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन क्या है आपका, That can be, दोनों के दोनों सेम होंगे आपके वेट रीजन पे, और 4 to 2 आपका क्या हीट एडिशन होगा इन टर्म्स ऑफ लैटेंट हीट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और 2 to 3 क्या है, दैट वन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एज वेल एज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन, और यहां पे भी क्या होगा आपका, हीट रिजेक्शन इन टर्म्स ऑफ लैटेंट हीट. तो मैंने कहा कि समवॉट आपका क्या है, ये दोनों तो पॉसिबल है 4 to 1, 2 to 3. ठीक है, यहां पे तो पॉसिबल है, जबकि यहां पे पॉसिबल नहीं था, यहां पे ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल नहीं था, यहां पे तो ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल है. फिर भी ये Carnot साइकिल स्टिल थ्योरेटिकल साइकिल, व्हाट विल बी, यही हमें जानना है. मैंने कहा कि यहां पे प्रॉब्लम क्या था, मेनली प्रॉब्लम 4 to 1 कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन से प्रॉब्लम था, और 2 to 3 कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन से प्रॉब्लम था, क्योंकि प्रैक्टिकली ये दोनों पॉसिबल नहीं है. लेकिन मैंने यहां पे क्लियरली कहा, जब तक कि कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन मेंटेन है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन भी मेंटेन होगा, और यहां पे जो हीट एडिशन हीट रिजेक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ लैटेंट हीट होगा. ठीक है, इफेक्टिव हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो मैंने कहा कि फिर भी मैंने कहा कि दैट वन इज स्टिल थ्योरेटिकल साइकिल, यही हमें जानना है कि व्हाई इट विल बी.
मेन प्रॉब्लम तो आइसोथर्मल प्रोसेस से ही था ना, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. देन व्हाट हैपेंस, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है. हियर कार्नोट साइकिल इज नॉट, कार्नोट साइकिल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इज ओनली थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल साइकिल बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, वन टू टू, दैट इज वन टू टू क्या है आपका? वेट, वेट कंप्रेशन. वेट कंप्रेशन ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेट कंप्रेशन जनरली हम नहीं करते हैं. वेट कंप्रेशन करेंगे आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्लेड का डिजाइन किसके लिए होता है? सिंगल फेज के लिए होता है. और मैंने कहा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में वियर टीयर बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका? इवन वाल्व भी डैमेज हो जाएगा. दैट्स वाई द कंप्रेशन का लाइफ स्पैन बहुत ही कम हो जाएगा. दैट्स वाई तो कहीं ना कहीं ये यूटिलाइज नहीं करते हैं वेट कंप्रेशन. द सेकेंड वन ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि इस केस में व्हाट इज एग्जैक्टली आपका 3 to 4, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3 to 4 हम आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर, 3 to 4 होने के लिए हमें क्या चाहिए? आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर होना चाहिए ना. और ऑलरेडी डील कर चुका हूं कि आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर, आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर यहां पे बहुत ज्यादा वर्क आउटपुट हमें देने वाला नहीं है. बहुत ज्यादा वर्क आउटपुट इसलिए नहीं देने वाला है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, ऑलरेडी जस्ट प्रीवियसली हमने डील किया है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो मैंने कहा कि 3 to 4 आपका क्या है आपका, व्हाट इज एग्जैक्टली आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर में प्रोसेस होगा. और मैंने कहा कि आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर यहां पे क्या देने वाला है? बहुत ज्यादा वर्क डन देने वाला नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज क्वाइट लेस. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट, दूसरी बात मैंने कहा कि यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी तो होगा ही, कुछ ना कुछ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगा. तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगा, तो जो भी कुछ वर्क डन मिलेगा उसमें से भी वर्क डिसिपेशन तो होगा ही, वो भी वर्क क्या हो जाएगा आपका, और वर्क डन कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई यहां पे वर्क डन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इतना नेग्लिजिबल कि उसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, ठीक है. और मैंने कहा कि जबकि आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर का कॉस्ट क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है. तो यहां पे मैंने क्या कहा, एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 to 2 वेट कंप्रेशन, एंड सेकेंड वन 3 to 4, 3 to 4 आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, बोथ आर नॉट पॉसिबल. दोनों के दोनों हियर कार्नोट साइकिल, हियर कार्नोट साइकिल इज अगेन थ्योरेटिकल साइकिल. मैंने कहा यहां पे ये दोनों प्रैक्टिकल नहीं रह जाते हैं, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं 2 to 3, 4 to 1, जबकि यहां पे 2 to 3 और 4 to 1 क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन किया जाए, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन बन सकता है. लेकिन यहां पे क्या, फिर भी मैंने कहा कि कार्नोट साइकिल क्या है आपका, इज थ्योरेटिकल साइकिल, इट इज नॉट यूटिलाइज प्रैक्टिकली, इट इज नॉट यूटिलाइज प्रैक्टिकली, ठीक है, इट इज नॉट यूटिलाइज प्रैक्टिकली. क्यों? बिकॉज ऑफ द वेट कंप्रेशन. वेट कंप्रेशन के बारे में तो बता ही चुका हूं, साथ ही साथ क्या 3 to 4 आपका आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड, जिसके कारण क्या मिलेगा, वर्क डन आउटपुट, वर्क आउटपुट क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्क आउटपुट क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलेगा, और साथ ही साथ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट रहा तो फिर तो ऑलमोस्ट वर्क डन नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, इग्नोर ही हो जाएगा, और उसे हम अपने कैलकुलेशन में यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड पॉसिबल नहीं है, यूज नहीं करते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, दैट वन इज ठीक है. दैट्स वाई द कार्नोट साइकिल इज स्टिल, दैट्स वाई द कार्नोट साइकिल इज स्टिल वॉट, theoretical cycle. And now this is exactly the reason why that Carnot cycle is not utilized
एज वीसी साइकिल, ठीक है। इस केस में भी जब सिंगल फेज में भी है तब भी यूटिलाइज नहीं होगा, थ्योरेटिकल साइकिल ही होगा, और आपका फेज चेंज हो रहा है वर्किंग फ्लूइड का, फिर भी आपका यूटिलाइज नहीं होगा, थ्योरेटिकल साइकिल ही रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी प्रीवियसली बता चुका हूं मैं कि दैट कार्नोट साइकिल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग फ्लूइड एंड इट्स परफॉर्मेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर लिमिट, ठीक है ना। लेकिन इस केस में मैंने कहा कि ये क्या होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है, इसलिए ये थ्योरेटिकल साइकिल है, सिर्फ बेंचमार्क के लिए यूटिलाइज करते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए, अपने रियल साइकिल को इंप्रूव करने के लिए। और इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका इन दिस केस 1 to 2 or 3 to 4 प्रोसेस क्या है, पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस वन इज स्टिल, लेकिन 4 to 1 or 2 to 3 पॉसिबल है आपका, जब तक हम कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन करें और यहाँ पे आपका इफेक्टिव हीट क्या होगा, हीट ट्रांसफर भी होगा इन टर्म्स ऑफ हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन भी होगा इन टर्म्स ऑफ लैटेंट हीट, दिस इज एग्जैक्टली। आइए थोड़ा सा देखते हैं वीसी साइकिल पे, थोड़ा सा बस वीसी साइकिल, हियर वीसी साइकिल इज मॉडिफाइड, तब क्या हुआ, वीसी साइकिल को क्या किया गया, मॉडिफाइड, वीसी साइकिल इज मॉडिफाइड, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वीसी साइकिल को, ठीक है। और वीसी साइकिल क्या है, थोड़ा रियलाइज करना प्लीज, दैट वन इज क्वाइट, द साइकिल इज क्वाइट नियरेस्ट टू द कार्नोट साइकिल। अब रियलाइज करो, इतना वीसी साइकिल हमने देखा था, बट दैट साइकिल इज क्वाइट नियरेस्ट साइकिल, ठीक है, क्वाइट नियरेस्ट साइकिल, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, इतने दूर थोड़ा बहुत आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है, इतने दूर। और ये आपका, मैंने कहा यहां पे फिर भी क्या होगा, यहां पे आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर फिर भी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल वर्कडन देगा, कोई मतलब ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो यहां पे क्या यूटिलाइज कर लिया गया, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, थ्रॉटलिंग वाल्व यूटिलाइज कर लिया गया, एंड द साइकिल इज क्वाइट नियरेस्ट टू द कार्नोट साइकिल, दैट्स व्हाई, अगर ये रियलाइज करो ना, दैट वन इज 4 to 1 आपका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल है, एंड 2 to 3 देखिए आइसोथर्मल सॉरी कांस्टेंट प्रेशर है, 2 to 3 एक्चुअली 4 to 1 इज कांस्टेंट प्रेशर, 2 to 3 इज आल्सो कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन मैंने कहा कि इतने दूर का पोर्शन आप देखो कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज कांस्टेंट टेम्परेचर है, इतने दूर का पोर्शन देखो कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज कांस्टेंट प्रेशर है, इतने दूर का पोर्शन देखो एक कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये भी क्या है आपका, इधर भी क्या है आपका, दैट वन इज स्टिल व्हाट, ठीक है, That one is still isentropic process. सिर्फ difference कहाँ है, ये वाला difference है और ये वाला difference है, तो इस वाले difference में तो कोई tension ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि practically what happen, practically क्या होता है आपका isentropic expander में अगर saturated liquid in करते हैं बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा work output मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे throttling process भी अगर utilize कर लिया there'll be no problem at all, ठीक है, There'll be no problem. और यही आपका डिफरेंस है, इसलिए मैंने कहा, तो कुल मिला के अगर रियलाइज किया जाए इस वीसी साइकिल को, वेपर कंप्रेशन साइकिल को जो प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं, दैट वन इज व्हाट क्वाइट नियरेस्ट नियरेस्ट द साइकिल इज क्वाइट नियरेस्ट टू द कार्नोट साइकिल, दैट्स व्हाई, तो अगर नियरेस्ट है तो इसका सीओपी भी क्या होगा, सीओपी सेम एज कार्नोट साइकिल तो नहीं होगा, क्योंकि सेम एज कार्नोट साइकिल ये नहीं है, ठीक है ना, but what happened exactly, that's why COP is less than Carnot cycle, but less than Carnot cycle, less but quite near, jada better hoga aisa likhna language, less but quite nearest to the Carnot cycle, less but quite nearest to the Carnot cycle, ठीक है,
nearest to the Carnot cycle. This one is your, ठीक है, थोड़ा रियलाइज करिए. और Carnot cycle, सॉरी VC cycle जो का जो आपका CUP होता है, that one is almost 3 to 4 होता है, बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टिवली द 3 to 4 होता है, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टिवली द अदर साइकिल, सबसे इफेक्टिव साइकिल होता है आपका, ठीक है ना. मैंने कहा कि COP इसका क्या होता है, दैट वन इज 3 to 4, ठीक है ना, दैट वन इज क्वाइट लार्ज रेस्पेक्टिव टू अदर साइकिल्स. हाँ, Carnot साइकिल से कम, लेकिन अदर साइकिल से क्या, बहुत ही ज्यादा, ठीक है. तो इसीलिए बीसी साइकिल यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में. इसीलिए मैंने यहाँ पे डील किया था कि वेट कंप्रेशन क्यों पॉसिबल नहीं है और आपका आइसेंट्रॉपिक एक्सपैंडर क्यों नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर वे में डील किया था यहाँ पे. दैट्स वाई वी कैन इजिली डील दैट Carnot साइकिल, वाई Carnot साइकिल इज नॉट यूज एज अ बीसी साइकिल. और ये भी देखा हमने कि बीसी साइकिल जो है, दैट इज मॉडिफाइड, इसी Carnot साइकिल को क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया. दैट्स नॉट द मैटर, इस पोर्शन के कारण और ये पोर्शन एग्जैक्टली आपका Carnot साइकिल जैसा नहीं है, बट ऑलमोस्ट सारे पोर्शन Carnot साइकिल जैसे हैं, इसलिए इसका सीओपी लेस देन आपका Carnot साइकिल तो होता है, बट ऑलमोस्ट नियर इट, सीओपी इज ऑलमोस्ट नियर इट, नियरस्ट टू द Carnot साइकिल. मैंने कहा 3 to 4 होता है, एंड दैट वन इज क्वाइट लार्ज देन द अदर साइकिल, लेस देन Carnot साइकिल बट लार्जर देन द वॉट, सेम टेम्परेचर लिमिट के लिए आपका Carnot साइकिल से लेस तो होगा, बट अदर साइकिल से क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली योर स्मॉल कॉन्सेप्ट हियर. नाउ वी विल मूव टू द वॉट, स्मॉल कॉन्सेप्ट एज वेल एज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ वी विल मूव टू द कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम. नाउ वी विल मूव टू द कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम. बहुत ही छोटा टॉपिक है, वी विल डिस्कस, ठीक है ना. सिंपल एक लैंग्वेज है जो ऑलरेडी प्रीवियसली बता चुका हूं, नथिंग एल्स, ठीक है ना. फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी लो टेम्परेचर, इफ कंप्रेशन इज कैरिड आउट इन वन कंप्रेसर, देन द प्रेशर रेशियो विल बी वेरी हाई एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर वुड बी वेरी लो, ठीक है ना. टू अवॉइड इट, कैस्केड रेफ्रिजरेशन इज यूज्ड टू, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम होने से, ठीक है ना, अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, इसे क्या करते हैं हम, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं. देखते हैं, विल सी, ठीक है ना. स्कीमेटिक डायग्राम एक्चुअली देखेंगे हम, ठीक है ना, और सीओपी भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सीओपी एज वेल, ठीक है ना. आइए देखते हैं, विल सी द कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम. आपने कई बार, आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ते होगे, तो इंजन भी क्या करते होगे, कैस्केड सिस्टम में लगाते होगे, इंजन भी क्या करते होगे, आप सीरीज में कनेक्ट करते होगे, दैट वन इज व्हाट, फाइनल टेम्परेचर रिजर्वायर फॉर द दिस इज द रेफ्रिजरेटर 1, इंटरमीडिएट रिजर्वायर, इंटरमीडिएट रिजर्वायर, इंटरमीडिएट रिजर्वायर, एंड दैट वन इज व्हाट, R2, एंड दिस इज फाइनली the low temperature reservoir, low temperature reservoir, and this is the high temperature reservoir. I hope you can understand. मैंने कहा आगे, this one is what, ये यहां से जो heat लेगा, that one is the, taken to be the Q3, ये Q3 ही क्या कहलाएगा, that was the RE ना, और ये क्या होगा यहां पे, that one is transfer Q2, that one is intermediate reservoir, is a TI एन कर दिया मैंने, TIN, दैट वन इज इंटरमीडिएट रिजर्वायर, एंड दैट वन इज सेम हीट, जितना हीट लिया ये हीट किसको ट्रांसफर किया, ठीक है ना, एंड दैट वन इज फाइनली द Q1, ठीक है, दैट इज फाइनली द Q1, दैट इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दैट इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है.
ये आपका हो गया। और इस रेफ्रिजरेशन पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क इनपुट देना पड़ेगा, तो इसे W1 नाम दे दिया, दैट वन इज ऑल्सो टेकन टू बी द W2, ठीक है ना, दिस इज सिंपली, ठीक है। और थोड़ा रियलाइज करो, ये इंटरमीडिएट रिजर्वायर जो है, ये इंटरमीडिएट रिजर्वायर किस किस चीज का काम कर रहा है, ये इंटरमीडिएट रिजर्वायर R2 के लिए कंडेंसर का काम कर रहा है, व्हाइल दैट इंटरमीडिएट रिजर्वायर एक्ट एज इवेपोरेटर फॉर, किसके लिए, एक्ट एज इवेपोरेटर फॉर व्हाट, दैट इज R1, इवेपोरेटर का काम कर रहा है किसके लिए, R1 के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा दैट इंटरमीडिएट रिजर्वायर, ठीक है, दैट इंटरमीडिएट रिजर्वायर एक्ट एज एन, ठीक है, एक्ट एज एन इवेपोरेटर, इवेपोरेटर फॉर आर वन एंड कंडेंसर फॉर आर टू। इसे और थोड़ा इलाबोरेट करेंगे जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे, यहां पे अगर इलाबोरेट करूंगा भी तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, जब न्यूमेरिकल करेंगे उसके अकॉर्डिंग, उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग स्कीमेटिक डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे, देन वी कैन इजिली रियलाइज कि क्या हो रहा होगा यहां पे, ठीक है। तो डोंट वरी, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चीज को और प्रॉपर क्या करेंगे, इलाबोरेट करेंगे, और वहां पे हमें इजिली समझ में आएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल के थ्रू जो भी डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, और जब उसके अकॉर्डिंग समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखें, जब हम न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे तो इसे और अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन द न्यूमेरिकल उसके थ्रू समझेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट फाइनली क्लियर हो जाएगा, और इसे और अच्छे तरीके से वी विल रियलाइज, इसे और अच्छे तरीके से रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू, सीओपी ऑफ ओवरऑल सिस्टम क्या लिख सकते हैं, सीओपी ऑफ ओवरऑल सिस्टम। देखिए फाइनली क्या आपका ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर ही आपका क्या कर रहा है, स्टोरेज से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, ठीक है ना, लो टेम्परेचर रिजर्वायर ही कहीं ना कहीं क्या कर रहा है आपका, किससे, स्टोरेज से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अरे जो स्टोरेज से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, हमें क्या करना है, स्टोरेज में ऑलरेडी लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, तभी तो हमने कैस्केड लगाया, अदरवाइज तो सिंगल कंप्रेसर से ही हमारा काम चल जाता। स्टोरेज में हमने क्या किया है, लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो इवेपोरेटर प्रेशर टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बताया मैंने कि टी इवेपोरेटर मस्ट बी लेस देन द टी स्टोरेज, याद करिए, मस्ट बी लेस देन द टी स्टोरेज। तो मैंने क्या कहा, व्हाट हैपेंड, इवेपोरेटर टेम्परेचर प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और जितना ही कम करोगे सिंगल कंप्रेसर के लिए वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंगल कंप्रेसर के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि सिंगल कंप्रेसर के लिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, सिंगल कंप्रेसर का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस यही आपका कि आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, और इसीलिए हम क्या करते हैं, दैट वन इज कैस्केड सिस्टम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। सीओपी ओवरऑल व्हाट वी कैन राइट डाउन, तो RE आपका तो ये है, दैट वन इज द RE बाय वर्क W1 प्लस W2, आई होप यू कैन रियलाइज। और हमें यहां पे एक छोटा सा प्रूफ भी करना है कि दैट इज द 1 बाय COP ओवर ऑल, दैट वन इज, ये R1 है तो इसका अपना COP1 होगा ना, ऑब्वियस, और ये अपना R2 है तो इसका भी COP इंडिविजुअल होगा, COP2, ठीक है ना, इंडिविजुअली दोनों का COP होगा, तो इसे हमें प्रूफ करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ दैट COP ऑफ 1 बाय COP ऑफ 2 प्लस 1 बाय COP ऑफ 1 इनटू COP ऑफ 2, COP ऑफ 1 इज इक्वल 1 बाय COP ओवरऑल इज इक्वल टू 1 बाय COP 1 प्लस 1 बाई सी ओ पी 2 प्लस 1 बाई सी ओ पी 1 इंटू सी ओ पी 2, ठीक है। नाउ वी मूव टू द इस प्रूफ को देखते हैं, ठीक है, यही प्रूफ हमें करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अच्छा आइए एक चीज और यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल्सो सी ओ पी 1 क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी ओ पी 1, सी ओ पी 1 हमारा हो जाएगा दैट वन इज द क्यू 2
देखिए थोड़ा ध्यान से, एक्ट एज एन इवेपोरेटर फॉर आर वन, आर वन के लिए इवेपोरेटर, तो आर वन के लिए आपका आर ई क्या हो जाएगा, आर वन के लिए आर ई आपका, फॉर पर्टिकुलरली आर वन के लिए, ओवरऑल सिस्टम के लिए आर ई ये होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली आर वन के लिए आर ई आपका क्यू टू हो जाएगा, एंड क्यू टू बाई डब्ल्यू वन, दैट वन इज योर सी ओ पी ऑफ वन, एंड दैट वन इज द सी ओ पी ऑफ टू इज इक्वल टू क्यू थ्री बाई डब्ल्यू टू, दिस वन इज योर क्यू थ्री बाई डब्ल्यू टू, ठीक है. Now what we can write down, the Q2 can be written as, यहां से देखिए यहीं से थोड़ा सा, Q2 can be written as W2 plus Q3, according to the energy balance here, nothing else, according to the energy balance, according to the energy balance, second refrigerator के लिए हमने क्या किया, second refrigerator के लिए हमने energy balance निकाला, और जैसे ही energy balance निकाला second refrigerator के लिए, what we can write down, the Q2 can be written as the W2 plus Q3, W2 plus Q3, W2 plus Q3, now you can realize, W2 plus Q3, ठीक है, Q2 is equal to, तो COP of 1 को थोड़ा realize करना आप, COP of 1 को आप realize करना, COP of 1 को realize करना, COP of 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 की जगह W2 plus Q3 लिख सकता हूँ क्या, COP of 1 can be written as Q2 की जगह Q3 plus, Q3 plus W2 by W1. What we can write down, COP of 1 is equal to W2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, that one is Q3 by W2 plus 1 by W1 by W2. कोई दिक्कत है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने W2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें ये मिल गया. थोड़ा Q3 by W2 देखिए क्या है आपका, Q3 by W2 is Q3 by W2, COP of 2 क्या है आपका, Q3 by W2, that one is written as a COP of 1 is equal to COP, oh sorry, COP is equal to COP of 2 plus 1 COP of 2 plus 1 by W1 by W2. This one is all. आइए देखते हैं. Now COP overall, यही हमें प्रूफ करना ना actually. We have to prove that. तो कहीं ना कहीं COP overall तो लेना ही पड़ेगा. क्या किया मैंने, RE by RE का मतलब Q3 actually. RE का मतलब Q3. RE का मतलब Q3. RE का मतलब Q3. What we can write down, that is W1 plus W2. W1 plus W2. W1 plus W2, 1 by COP overall कर दिया मैंने, क्योंकि हमें यही एक्चुअली प्रूफ करना है, is equal to W1 plus W2 by Q3 is equal to, क्या किया मैंने, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, या फिर एक काम करते हैं, W1 by W2 plus 1 by Q3 by W2, यहां पे भी वही काम किया, W2 से डिवाइड कर दिया. And that one is again, that one is again COP of 2, ठीक है, COP of 2, और यहां पे देखिए अगेन आपको क्या मिला, W1 by W2, W1 by W2, तो क्या लिख सकते हैं, W1 by W2 directly can be written as COP of 2 plus COP of, COP of 2 plus 1 by COP of 1. I hope you can understand. तो बस replace करना है, कुछ करना ही नहीं है. That one is what? ये क्या है आपका? COP of 2 है. ठीक है? और ये आपका replace कर दूंगा मैं यहां से. 1 by COP overall, 1 by COP over all is equal to 1 by COP overall, that can be written as, क्या लिख सकते हैं हम? That is COP of 2, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, COP of 2 plus 1 by COP of 1
प्लस एक्सट्रीमली सॉरी बाय सीओपी ऑफ वन प्लस फर्दर वन है, ध्यान दीजिएगा ये वन तो ये डब्ल्यू वन बाय डब्ल्यू टू का ये वैल्यू हुआ और फिर से आपका एक वन है बाय सीओपी ऑफ टू, काम खत्म हो गया आपका, सॉल्व हो गया। ठीक है, जब आप सीओपी टू को अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे व्हाट हैपन एग्जैक्टली थोड़ा रियलाइज करें, मैं डायरेक्टली करूंगा, मैं आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन डायरेक्टली। सीओपी टू क्या होगा, इस टर्म में भी डिवाइड हो जाएगा और सीओपी टू वन में भी आपका डिवाइड हो जाएगा। जब सीओपी टू आपका वन इसमें डिवाइड होगा और फर्दर सीओपी टू और वन को अलग अलग कर सकते हो, सीओपी टू को टू का टर्म इसमें डिवाइड होगा और फर्दर सीओपी टू और वन को आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। तो सीओपी, चलो पूरा कैलकुलेशन कर ही दे रहा हूं मैं, इतना करने की जरूरत, जितना मैं डील करूंगा वर्बली उतने में तो मैं यहां पे कैलकुलेशन कर दूंगा। दैट वन इज सीओपी ओवर ऑल, सीओपी ओवर ऑल इज इक्वल टू सीओपी वन प्लस वन बाय सीओपी वन इनटू COP1 into COP2 plus 1 by COP2। Further मैंने कहा COP1, COP, COP1 और 1 को हम अलग अलग कर सकते हैं और COP1, COP2 दोनों में डिवाइड हो जाएगा आपका, तो क्या बनेगा आपका, दैट वन इज COP2 plus 1 by COP1 into COP2 extremely sorry and that one is what COP2 यहाँ पे होगा extremely sorry that one is COP2। तो यहाँ पे COP2 नहीं बचेगा COP1 हो जाएगा, COP2 नहीं बचेगा COP1 हो जाएगा, दैट वन इज COP1, COP1 इनटू COP2 एंड दैट वन इज 1 बाय COP2, दिस इज योर COP ओवर ऑल, COP ओवर ऑल, दिस वन वी हैव टू प्रूव दैट। और यही आपका इससे ही रिलेटेड ये आपका प्रूफ है और आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरली कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे, ध्यान दीजिएगा दैट इज नॉट फॉर द ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, सॉरी ईएस बोल रहा हूँ एक्सट्रीमली सॉरी, दैट इज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज नॉट फॉर द कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका गेट में नहीं है, ठीक है। हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि गेट के लिए आप एक बार देख ना सको, बट स्टिल गेट में आपका क्वेश्चन इससे नहीं आता है, ठीक है ना। बट स्टिल गेट में आपका क्वेश्चन दैट इज नॉट फॉर द गेट एग्जामिनेशन, दैट इज मेनली फॉर किसके लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट इज मेनली फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका गेट में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है कि आप इसके इसको गेट के लिए रिवीजन एक बार देख के कितना दूर करना है ये तो आप जानते ही हो, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूं। और दूसरा मैंने कहा कि इस तरीके से देखना है और ये आपका प्रूफ है और एक क्वेश्चन देख लेंगे, नॉट मोर देन वन क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका जो प्रीवियसली हमने किया है कहीं ना कहीं वही होगा, आगे भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। जो प्रीवियसली न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं कहीं ना कहीं आपका मेथड वही सॉल्विंग का होगा, ये बात अलग है कि दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट यहाँ पे लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका कैलकुलेशन क्या हो सकता है, वास्ट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसका कैलकुलेशन लेंथी हो सकता है, इसलिए जनरली ये कहाँ पूछा जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, नॉट इन द गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ऑलरेडी सारा कुछ डील कर लिया मैंने और इस पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, दिस इज एग्जैक्टली योर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वीसी साइकिल, दिस इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर वीसी साइकिल। नाउ वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स किस पे है आपका, न्यूमेरिकल्स एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पे करेंगे। देखिए जो प्रीवियसली मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन डील किया है उस पर हमें न्यूमेरिकल्स देखना है, आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी के बाद आपका सुपर हीटिंग इन कंडेंसर हो सकता है आपका, ठीक है, या सब कूलिंग इन किस में हो सकता है, सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर, एक्सट्रीमली सॉरी, सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर, सब कूलिंग इन कंडेंसर, साथ ही साथ सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग किस में हो सकता है, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर में हो सकता है, ठीक है ना। देन आफ्टर लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर के बाद देयर विल बी द कैस्केड
कैस्केड रेफ्रिजरेशन, यही आपका है. दिस इज एग्जैक्टली योर फाइनल फाइनल टॉपिक ऑन द वीसी साइकिल. ठीक है ना, वीसी साइकिल कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वीसी साइकिल. नाउ विल मूव टू द गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल. थैंक यू.